Hey, where is Karan? Oh, I don't know. I wonder why he's so late. His flight time is up. Hey, there he is. Hey, Karan, come on. We have been waiting for you. Hi. Hey. Karan, I'm really wondering why you have taken a decision. Hey, why are you leaving us? You are genius in computer. You can earn millions of dollars. Well, I came here to gain knowledge. Now it is right time to serve my motherland and my parents. They are more important to me than dollars. Do you know, he's going to marry some unknown Indian girl. Is it? No. Hi. Sorry for the delay. It's okay. But my parents selected her. Yeah. And I respect my parents' decision. If they think she's a good life partner to me, she must be. Excuse me, one moment. Excuse me. दादाजी, मैं अपने फ्रेंड से शादी की बातें कर रहा था, तभी आपका फोन आ गया। हाँ, थोड़ी देर में न्यूयॉर्क से फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। ओके, हाँ, मैं दिल्ली पहुँचते आपको फोन करूँगा। ओके, बाय दादाजी, बाय। वेज बर्गर प्लीज। हेलो डैडी, हाय डैडी, मीना की शादी है और मुझे पक्का अटेंड करना है, इसलिए मैं इंडिया आ रही हूँ। नो डैडी, मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, 10 दिन बाद मुझे वापस आना होगा, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ना। ओके डैडी, बाय। Pallavi, like other Indian girls, he also won't marry an Indian guy. What? An Indian guy? No ways. Anyways, I don't believe in love marriage. First, I want to finish my studies. That's my goal. So when are you coming back? Soon after my friend's marriage. An Air India flight 112 are requested to hold at gate 22. Okay, the security let's move. Check. Bye. Thank bye. You. Oh. Okay, later. Okay, bye. Bye. In touch. ये लोकिल सावधानी से मानना। चिंता मत करो, मैं सावधानी से ही करूंगा। बीच में कौन बैठा है? अरे कौन है? मेरे नजरी वार्ड लगा दी, लाज मार गए। इधर आओ कि घर में चोरी करने की है। नौकरों को लाज मारने की हिम्मत करता है? छोड़ूंगा नहीं तेरे को। कैसे आ गया? अरे जल्दी करो, देर हो रही है। अरे आ रही हूँ बाबा। एयरपोर्ट जल्द जाकर अपने भाई को रिसीव करना है, समझी? वो सिर्फ आपका भाई नहीं, मेरा देवर दोनों भी है। एक ही बात है, चलो। सुनिए जी, टायर पंक्चर हो गया है। पंक्चर है? जल्दी चलो बाबा, पहले ही हमें देर हो चुकी है। अरे भाई अभी बहुत टाइम है। सोचा था एयरपोर्ट जाके भाई को लाऊंगा, पर जीप का टायर पंचर है। शिट। अच्छा सुनो, जीजा जी की गाड़ी से चलते हैं। मेरी गाड़ी का भी टायर पंचर हो गया। क्या कह रहे हैं? निकलते वक्त रोए थे, तभी मैं समझ गई थी ऐसा ही होगा। मैं सही वक्त पर निकलता हूँ। ये सीरियल पंचर किसने किया है भाई? क्या हुआ, पंचर हो गया? तुम्हारी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया? मुझसे पहले एयरपोर्ट जाके मेरे पोते को लाना चाहते थे। नागराज, नागराज कहाँ मर गया? साहब जी, अपने घर का कोई काम तो बताइए। मैं तीन तीन वक्त का खाना खा के गधों की तरह काम करता हूँ। सुबह सुबह पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? मेरे घर पे काम करके मुझसे काम मांग रहा है? मैं आपके घर पे काम करता हूँ। पागल हो गया है?
तुझे मालूम है ना मेरा पोता अमेरिका से आ रहा है, देर हो रही है, सुन बैंड बाजे वाले को लेके तू अभी एयरपोर्ट चले जा। गांव वालों की नजर, फॉरेनर की नजर, एयर होस्टेस की नजर, जॉर्ज बुश की नजर, सब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह एकदम फिट जानी चाहिए। ये एटम बम की तरह फटना चाहिए यही ना। पिताजी, पिताजी, करण। भैया। छोटी है तुम्हारे लिए? अरे तो सबके लिए गिफ्ट लाया है, मेरे लिए कुछ नहीं लाया क्या? तुम्हारे लिए? हाँ। गिफ्ट चाहिए? अरे 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 छोटे साहब को पता नहीं चलना चाहिए। क्या कर रहे हैं? खांसी की दवा पी रहा हूँ साहब जी, खांसी की। विदेशी दवा मिले तो फिर देसी की क्या जरूरत है? जीते रहो मालिक, हर महीने अमेरिका में रहो, इंडिया में आओ। Enjoy it. आओ आओ बैठो, शर्माना मत, पेट भर के खाना। आओ बैठो बैठो। हाँ नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते करण बेटे। ये लो भैया। हाँ दादाजी। मेरा पोता करण रुद्रराज बचपन से ही अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था, कंप्यूटर की पढ़ाई करके आया है बेटा। ये गांव वाले हैं, इनको नमस्ते करो। नमस्ते बाबू। विदेश में पढ़ाई की है, कितनी इज्जत देते हैं देख रहे हो ना। लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी पढ़ाई करते ही ऊपर उड़ने लगते हैं। सीताराम के पोते पर हमें गर्व होना चाहिए। करण बाबू, अमेरिका में कोई लड़की देखी है क्या? दादाजी और पिताजी हमेशा आपकी शादी की बातें करा करते हैं। सुनिए दादी, मेरी दादी जी मुझे आशीर्वाद देंगे और दादाजी मुझे धोती पहनाएंगे। माल कर दिया बेटा। और मेरे माता पिता दोनों मुझे मंडप में ले जाकर बिठाएंगे, तभी मैं शादी करूंगा। क्या बात बोली है, वाह, मुझे तो बिना पिए ही नशा हो गया साहब। 9 जी नहीं, रॉन्ग नंबर। 9 रॉन्ग नंबर। ये रॉन्ग कॉल्स क्यों आ रहे हैं? पानीपुरी का नाम लेकर बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। समथिंग रॉन्ग, ये सेल मेरा ही है क्या? सेम कलर, सेम इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये मेरा सेल नहीं है। नो, तो मेरा सेल कहाँ गया? इस सेल से अपने नंबर पे फोन करता हूँ। हेलो, पानी पूरी? व्हाट भेलपुरी? हाँ भेलपुरी। आप कैसी बातें कर रही हैं? तो क्या तुम मुझे मेरे निकनेम से पुकार रहे हो? मुझे उसी नाम से कॉल्स आ रहे हैं। आपके कॉल्स मुझे क्यों आ रहे हैं? आप परेशान मत होइए, शायद हमारा सेल बदल गया है। Oh, I really wonder when they changed. Yeah. All right. हम सेल कब बदले आप बताइए। ओके, मैं आके कलेक्ट करता हूँ, बाय। सुनिए, अपने करण से जानकी राम अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं ना? हाँ। उसके दिल में क्या है ये भी तो जान लीजिए। किस लिए? अगर वो लड़की उसको पसंद नहीं आई तो उससे ज्यादा तकलीफ तो हमें ही होगी ना। तुम पागल हो, ये शक तुम्हें कैसे हुआ? वो भले ही दूर रहता हो पर वो मेरे दिल के पास रहता है। सुनो, इतने साल हो गए फिर भी मेरे पिताजी के खिलाफ मेरे मुंह से बात सुनी? वो भी मेरी तरह मेरे जैसा ही है ना। वो भले ही अमेरिका में पढ़ाई करके बड़ा हुआ है लेकिन वो मेरी बात नहीं डालेगा। ऐसा बेटा मिला है मुझे, ये भगवान का आशीर्वाद है। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा
तो मैं शान से कैसे कहूंगा मैं उसका पिता हूँ। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी, पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। अगर मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई है तो मेरा जीना किस काम का? अरे सुन बेटा, बस हो गया दादी, मेरा पेट भर गया है। अरे बेटा, तुम भी खाना लेकर साइकिल मत चलाओ। ओके दादाजी, पानी लगेगी, पानी पी लो और पियो। ओके ओके दादी, अब आके मेरा मुंह पोंछ दीजिए। ओके बेटे करण, ये अपने बगीचे का नारियल है, मैं खुद तुझे नारियल काट के देता हूँ। हाँ छोटी सी चोट के लिए तुमने इतनी सुंदर साड़ी फाड़ दी। आपके सामने इस साड़ी का कोई मोल है क्या दादाजी? देखो, कहते हैं कि बहू आए तो घर में झगड़ा होता है, पर अपने परिवार में सब बातें झूठ निकली। वक्त निकलता जा रहा है, जमाना बदलता जा रहा है, पर हमारे घर में बहू के आने के बाद हमारे परिवार की इज्जत मान मर्यादा में चार चांद लग गया है। करण की शादी होते ही एक और बहू आ जाएगी तो खुशियाँ भी बढ़ जाएंगी दादाजी। पिताजी, आपने करण को वो बात बताई? अरे सुनो करण, तुम मीनाक्षी की शादी में जा रहे हो ना, वहाँ जानकी राम की बेटी पल्लवी भी आएगी। नाम याद कर लो, पल्लवी। बहुत ही सुंदर लड़की है, अगर तुमने पसंद कर ली। दादाजी, मेरे दोनों भाइयों ने शादी से पहले भाभी को देखा था क्या? लेकिन आज वो खुश है ना, मेरा भी वैसा ही होगा।
खिला दिखता है उसका चेहरा हर वक्त ही क्यों मुझे कैसी ये लहर दिल में ऐसे ना बेटी को किसी की नजर ना लगे ऐसा लग रहा है साक्षात सरस्वती देवी की कृपा है इसीलिए भगवान ने अच्छा रिश्ता दिया है तुम क्या समझती हो ये किसकी बेटी है ये वेंकटराम की बेटी है इसलिए लड़के वाले बिना कुछ बोले लड़की को पसंद करके चले गए लड़का शादी के लिए तैयार है आप भी कम है क्या जब मुझे देखने आए थे तुम्हें गाना आता है क्या नाचना आता है क्या ये सब पूछा था मैंने सिर्फ तुमसे एक दिन सवाल किया था तुम उस दिन से लेकर आज तक मुझसे सवाल कर रही हो महेंद्र महेंद्र बहुत सारा काम बाकी है काम मुझे जिंदा हूँ साहब जी ये क्यों यहाँ पीछे मुझे लेकर घूम रहा है आप ऐसा ही बोलेंगे वो दादाजी मुझे डांट रहे थे साहब क्योंकि दादाजी ने अपने लिए शुगरलेस कॉफी और उन तीनों लोगों के लिए शुगर कॉफी मांगी थी वो सब इसी में मिला दी और सबको सर्व कर दिया वो तो हैप्पी थे पर दादाजी मुझे डांट रहे थे कि तुझसे शुगरलेस कॉफी मांगा तो शुगर कॉफी क्यों दे दिया इसके लिए तुझे हार पहनाना चाहिए आप इंसानों की तरह क्यों डांट रहे हैं साहब जी मतलब मेरी लिस्ट में आप भगवान की तरह हैं ठीक है तू इधर आ आज हमारे सीताराम जी का पोता करण बाबू आ रहे हैं उसका ख्याल रखना वो अमेरिका से आया है ऊपर एसी वाले रूम में ले जाना और उससे पागलों जैसी बातें मत करना आप ये बताइए उसे कॉफी शुगर वाली चाहिए या शुगर ऐसी बातें करना बंद कर चल जा साहब ने बताया था करण बाबू लगते हैं वो यही है अमेरिका मीटर से 200 रुपया हो गया ना पैसा तुम्हारा मीटर ठीक नहीं है ज्यादा पैसा है बहुत है लेकिन पैसे नहीं है मैं तुझे बहुत मार मारूंगा पैसा दे टेंशन मत लो भाई एड्रेस बताओ क्यों एमओ करेगा वो क्या नहीं करेगा अच्छी लड़की देखकर शादी करवा दूंगा बोल रहा है शादी कराएगा अमेरिका की लड़की होगी अमेरिका बाबू वो पैसा मैं दे दूंगा मेरे लिए भी गोरी लड़की सेट करो ना भाई सुबह अपना पासपोर्ट और फोटो लेकर मेरे ऑफिस आ जाना तो आप अमेरिका से नहीं आए हैं बस अभी बुधवार फिर से आ रहा हूँ तो फिर हार की क्या जरूरत है मैं कौन हूँ जानता नहीं क्या पागल मत लेना आगे लगता है साहब जी अमेरिका से आने वाले हैप्पी हो ना आपको देखने के लिए तो दोनों आंखें भी कम है लेकिन तुम्हारे पास दोनों आंखें कहाँ मुझे भी दो आंखें हैं बाबू तुम्हारी आंखों की साइज क्या है मैं बाएं आंख से लेफ्ट वाली को और दाएं आंख से राइट वाली को देखता हूँ परसों मैंने लेफ्ट वाली को बुलाया पर हाँ। क्या है राइट वाली चली आई उसका बैड लक अभी आपको मैं बराबर घर पे लेके चलता हूँ चलिए तुम रास्ता दिखाओगे क्या वो सुबहराज को पैसे देने जाकर देख के आओ हाँ जल्दी जाकर देख के आओ अमेरिका करण बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था सुनो देखो कौन आया है नमस्ते दो बेटा घर में सब ठीक है ना बेटे देर क्यों हो तू चुप कर वो लोग बाद में आएंगे पहले मुझे भेजा देखा कितना बड़ा हो गया बचपन में बिना बैठ के मेरे पीछे भागता रहता था मजाक मत कीजिए अब ये बड़ा हो गया चुप करो वो कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए बच्चा ही रहेगा हाँ सही कहा ना आ जाओ आओ साहब जी जो आपने अमेरिका का लड़का बताया था वो नहीं आया इसकी आंखें खराब हैं ये बात मैं जानता हूँ बेवकूफ करण ये खड़ा हुआ सब से आ चुका है ले जाकर रूम दिखा इसकी आंखें खराब है इसलिए तो मैं चुप कर तुझे बोलने को किसने कहा ऐसा लग रहा है भाई साहब को मैंने वहाँ देखा था आइए ना बाबू अच्छा अमेरिका बाबू अरे क्या कर रहे हो ये पैर है कोई लगेज नहीं फिलहाल आपका पैर ही लगेज है आपके हाँ बोलने तक मैं नहीं छोड़ूंगा छोड़ो मुझे फालतू की बातें करते हो यार तुम तो नहीं भाई सही बातें करता हूँ भाई मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर मेरी शादी करवा दो आपके यहाँ कहने तक मैं पैर नहीं छोड़ूंगा क्या मैं मैरिज अरेंजर लगता हूँ क्या हा? नहीं जाओ और जाके पेपर में शादी का इश्तिहार दो जब घर में ही आदमी हो तो बाहर क्या देखें साहब मेरी बीवी
अमेरिकन हो, इंग्लैंड की हो, न्यूजीलैंड की हो, स्कॉच की भी हो तो चलेगी। हेलो, साउथ अफ्रीका की लड़की चलेगी? कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। भाई साहब, आपकी शादी हो गई क्या? ए, तुम बीच में मेरा टॉपिक क्यों ला रहे हो? नहीं भाई साहब, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाइएगा। गो आउट आउट आउट। भाई साहब, अमेरिका खूबसूरत लगता है क्या? बदमाश कहेगा। सेम कलर सेम इंस्ट्रूमेंट, पता नहीं वो लड़की कौन है। हम दोनों का टेस्ट एक ही है। भाई साहब, तुम फिर वापस आ गए? वो क्या है भाई, वो फिल्म गोरी तेरे प्यार में, ये सीडी देख लिया क्या? ठीक है, जाओ जाके देख, जाओ। कोई भी बात हो तो दो मिनट तो बताएंगे ना। तेरी तो, हे भगवान, मेरा दिमाग खा गया ये तो। क्यों भाई, शादी होकर डिवोर्स होने तक यही काम करते रहोगे क्या? जल्दी करो। ए, जल्दी कर वरना मेरे गुरुजी नाराज हो गए तो सब कुछ अपने ही घर लेके जाना, समझा? हटो भाई, बहुत शादी का काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? हटो हटो हटो। रो रे, ये तेरे रिश्तेदार है? पागल, मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? हाँ। अभी तक मैं इसको करण बाबू समझ कर नमस्ते कर रहा था। चलो। क्यों बहन जी, काम करने में इतना वक्त लगता है क्या? जरा जल्दी कीजिए ना। गुरुजी नाराज हुए तो अच्छा नहीं होगा। बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ आ गए हो और अब अपनी होशियारी दिखा रहे हो। बताओ तुम कौन हो? क्या मतलब, आप तो काम में ध्यान ही नहीं दे रहे। बेटी की शादी और कॉलेज स्टूडेंट की तरह घूम रहे हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट है क्या? एक जमाने में। तुम कौन हो? मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन तुम? इनका स्टूडेंट हूँ। ये कौन है भाई? मेरी पत्नी है। बहुत बढ़िया, मेरे फॉर ईच अदर। आपके रोब से दबकर रहती है। मैं एमसी हूँ ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है क्या? नहीं नहीं, मैरिज कॉन्ट्रैक्टर। इस शहर के जितने शादी के मंडप है वो मैंने बुक किए हैं। नहीं, पैसे से। मतलब? बहुत सिंपल है, इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे गुरुजी को देंगे, इसलिए। ब्लैकमेल? हाँ। नहीं, ईमेल। अरे इतने सारे लोग आएंगे कहाँ रखेंगे, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इनको दे दीजिए। ठीक है, दे दो। तो एडवांस दे दीजिए। कितना? कम से कम लाख रुपया। कब देना है? क्या गुरु, हमने 1 लाख रुपए बताए तो भी इनके चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं चेंज हो, हमने कम बताया क्या? बस, बहुत कह दिया। एडवांस चेक मिलेगा तो आधे घंटे में सब समझा दूंगा। चेक दिया तो काम किए बिना ही भाग जाओगे? नहीं नहीं, एडवांस मिलने के बाद आपको लगेगा आप ही काम कर रहे हैं। पान खाने से लड़के का मुंह लाल होता है और लड़के के हाथ में मेहंदी लगने से लाल हाथ हो तो उसे 3 किसेस और बहुत सारा प्यार मिलेगा, समझी क्या? चुप कर, हमेशा गंदी बातें करती है। पहले इसी की शादी करवानी चाहिए थी। यहाँ तो लड़कियाँ आपस में गपशप कर रही हैं। हाय, एक्सक्यूज मी, मैं कौन हूँ, पहचान लिया? क्विक कैट बॉल तुम्हारे नाक पे। करण भैया, कब आए तुम? बस अभी आया। माँ पिताजी नहीं आए ना? अभी नहीं, वो तुम्हारी शादी के दिन आएंगे। अच्छा? ये हाथ में नारियल लगा के रखा है। ज़्यादा मत बोलो आप, तुम्हारी तो। नहीं नहीं, ऐसे ही मजाक किया था। ओके, ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, हनी, मुन्नी, सोनी और ये बुज्जी। ये क्या, अपनी होने वाली बच्चियों के नाम बता रही हो क्या? मजाक मत करो। हाय, नमस्ते। तुम्हारा भाई तो लड़कियों के मामले में बहुत शर्मीला है। सारी लड़कियों के नाम तो एवरेज हैं, लेकिन इस लड़की का नाम बुज्जी है, ये किसी सब्जी का नाम है क्या? हेलो, तुम सटायर मार रहे हो पर मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं। सटायर के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या, अरे मेहंदी ऐसे क्यों लगा रही हो? मेहंदी ऐसे नहीं लगाते हैं भाई, अगर ये अमेरिका होता तो पता है कैसे लगाते। लो मैं बताता हूँ, लो। अमेरिका चलते हैं मेहंदी लगाने। चलो चलो चलो, चलते हैं। नहीं तो क्या, अब ये दोनों भाई बहन देखने। अब बताओ हमारे जीजा जी कैसे, कुछ ऐसे हैं क्या? ऐसे पत्नी होगी? मेरी पत्नी नहीं, मेरे जीजा जी हैं। आ रहा हूँ मामा जी, मैं जा के आता हूँ। जाओ। हाय। हाय पल्लवी, अमेरिका से कब आई? आओ आओ, मुझे तो लग रहा था कि तुम आओगी। अरे यार, मैं क्यों नहीं आऊंगी, सच कहूँ मैं अगले महीने आने वाली थी पर तुम्हारी शादी के चलते प्रोग्राम बदल के पहले आ गई। तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। लड़का कैसा है? कौन लड़का? अरे तेरा दूल्हा। लड़का बिल्कुल लड़के की तरह है। आंटी।
आप खुश तो है ना? कैसी हो? कब आई? मैं कैसी हूँ ये आप देख के बताइए। अच्छा शादी कब की? पार्टी कब दे रही हो? पार्टी चाहिए तो मैं अभी देती हूँ, लेकिन शादी की पार्टी चाहिए तो लड़का मिले तक इंतजार कीजिए। तुम लड़का ढूंढ लो। तकलीफ मैं क्यों लूँ, आप ही ढूंढ लीजिए ना आंटी। तुम तो सयानी हो, साड़ी वाला आया है, चलो देखते। नहीं नहीं, इन सब बातों में ना मैं शर्माती हूँ। आता हूँ। अरे मोबाइल कहाँ चला गया? गिर तो रखा था। ओह थैंक गॉड, मुझे लगा चोरी हो गया। अरे भाई ये आकाश में क्या दिखा रहा है, पागल हो गया क्या? हाँ तुझे क्या लगता है? हाँ मुझे जोर लगता है। मेरा गुरु आज जादू दिखाने वाला है, देखना तू। एमसी पराग ये है मेरा गुरु है। हम अपना मैजिक इस कॉर्नर में दिखा तो अच्छा रहेगा। हाँ। अरे भाई ये मैजिक कहाँ सीखा? ए तुझे उससे क्या? हाँ ओहो हो तू तो LTTE लगता है। मतलब ये है लुकिंग टू टोक्यो, टोकिंग टू इजिप्ट। अब मैं मेरा पर्स फेंक दूं क्या? अरे इसको मैजिक थोड़ी कहते हैं। वो वापस नहीं आएगा, ये मैजिक है। वापस आ जा। थैंक यू। देखा ना मेरे गुरु के मैजिक का कोई जवाब नहीं, क्या बात है गुरु। झोल लगता है। अबे तुझको सब में झोल लगता है? अरे भाई मैं इन पे भरोसा नहीं करता। अच्छा ये सभी बेवकूफ बनाते हैं, ये लो मेरा पर्स फेंक के देखो, मैं भरोसा नहीं। नहीं आपको दुख हो? देखो मूर्ख नहीं हूँ। बात ही खुजली हो रही है आपको, वो पर्स देना मुझे जरा। हाँ भाई जिन जिन को विश्वास नहीं है वो पर्स मुझे दे दे। अरे मेरा भी लो ना। ए सहवाग, सहवाग कैच इट। अब मैं भरोसा करता हूँ, ठीक है ताली मारो। पर्स वापस आता है क्या? तुम्हारा पर्स तुम ही कैच कर लो। ताली मारो नहीं आएगा क्या? आ जाएगा ना। ताली मार मार के थका हो गया। सारे पर्स कैच करके ले आए भाई। तुमने बड़ी आसानी से कमा कर दिखाया। अरे भाई तुम अगर इंडियन क्रिकेट टीम में होते ना तो इंडियन क्रिकेट टीम बहुत आगे बढ़ जाती। ये लो एक रुपया, महीना भर पार्टी करो, समझे? हेलो यस कौन? पल्लवी? जस्ट अ मिनट। ओके ए छोटू पल्लवी के लिए फोन है, बुला लो। कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में दादाजी ने बोला था? हेलो दादाजी, मैं करण। हाँ बोलो बेटा। दादाजी वो लड़की जो आपने सेलेक्ट की थी ना? हाँ अरे वही बात तो मैं भी तुमसे करना चाहता था कि मैंने तुम्हारी शादी हड़बड़ी में पक्की कर दी थी, पर शादी खुद के पसंद से ही होनी चाहिए, बुजुर्ग लोगों की जबरदस्ती से नहीं। और ऊपर से तुम अमेरिका में पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हारी अपनी कोई पसंद होगी, योजना होगी। ऐसा करो तुम उस लड़की को भूल जाओ। अरे दादाजी रुकिए, आप भी ना, मैं उस लड़की से अभी मिला था, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है।
अगर शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। ओके दादाजी, मेरे बारे में आप कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा था। पल्लवी तुझे पसंद आएगी, अच्छी तरह से जानता था। ओके दादाजी, आप परिवार वालों से मिलकर मुहूर्त निकलवाइए, मैं जरा यहाँ पल्लवी को परेशान करता हूँ। ओके करण, हाथ नहीं मिलाओगी? व्हाट अ गर्ल, कीप इट अप, वाओ, ब्यूटीफुल आइज, वेरी नाइस। बच्चों जाओ, मौसी चकली बना रही है, जाके खाओ। तो तुम जैसे छोटे बच्चे को खाने के लिए हमारी रेंज अलग है, तुम जाओ। ओह व्हाट अ स्माइल, ये स्माइल देखने को नहीं मिलती, गुस्से में और भी हसीन लगती है। दीदी ये पागल हो गया है। दिखने में तो पागल लग रहा है। प्यार में पागल, वो भी सुंदर लड़की से मिलने के बाद तो और भी ज्यादा। एक बात कहूँ, उससे मिलने के बाद मुझे प्यार हो जाएगा, उसके बाद उससे शादी हो जाएगी। शादी बस बस बहुत हो गया, मैनर्स नहीं है क्या? देखने में तो एजुकेटेड लगते हो, लड़की से कैसे बिहेव करने पता नहीं है, इडियट। हेलो, लव स्टोरी हमेशा टीवी सीरियल की तरह लंबा नहीं खींचना चाहिए, एक एपिसोड में फिनिश करो। चाइल्ड आर्टिस्ट हो, चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह रहो, सीनियर आर्टिस्ट बनने की कोशिश मत करो। आउट आउट, चलो बैड टाइम, देखते हैं। हाय, मिडनाइट मसाला देखने के समय आप ये क्या पढ़ रही हैं? ओके, ओहो उपन्यास, ये सब तो ओल्ड फैशन है। लैपटॉप में आप अपनी कुंडली देखेंगी? ए जूनियर आर्टिस्ट की तरह रहो। बेवजह में नाराज होती हैं आप। ठीक है, मैं अपनी कुंडली देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी उसे बहुत बड़ा मस्सा होगा। चेहरे पे मस्सा नहीं होगा, जांग पे होगा, और वो तो बेचारी लड़कियां दिखाती नहीं है। हाँ, वो भी दाएं पैर की जांग पर, देखते भविष्यवाणी कितनी सही होती है। अरे भविष्यवाणी तो सच हो गई, क्या आप ही मेरी पत्नी बनने वाली है? जरूरत नहीं है, जाता हूँ। वेट, आपका प्यार क्या लड़ाई से शुरू होता है? सुनिए, वैसे लिखा तो है पर हम दोनों लड़ेंगे नहीं, वैसे क्या आप मुझसे प्यार करेंगे? नहीं है? लड़की तुम्हारे आसपास ही होगी। आसपास होगी? देखते हैं उसका नाम क्या होगा। अरे पल्लवी, पल्लवी दे रहा है, क्या आपका नाम पल्लवी है? स्टुपिड, सेम टू यू, सेम टू यू। सुनिए, मैं कभी कभी कुंडली भी देखता हूँ। मैं इससे बात करूंगा तभी मेरा प्यार कामयाब होगा। हाय हाय। क्यों बहन, बहुत मेहनत कर रही है तुम? क्या हो गया, मुझसे भला क्या काम पड़ गया? मुझे जी, मैं कह रहा था जीजा जी बहुत सुंदर। सीधे सीधे बताओ बात क्या है। डायरेक्ट कहूँ तो मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। कौन सी लड़की? पल्लवी। कब से भाई? वो जस्ट 2 दिन से, पर कभी ना जुदा होने वाले जन्मों जन्म के रिश्ते की तरह। टीवी सीरियल का डायलॉग मत मारो, तुमने उससे बात की क्या? मैंने जरा ओवर एक्टिंग की तो वो रिवर्स हो गई। उसने क्या कहा, पसंद नहीं? बहुत मुश्किल है बहन, मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, पागल की तरह बात मत करो। काम के लिए तो आए तुम्हारे पास। प्यारी बहन, सिस्टर, गुड़िया, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी बात सुनो प्लीज। पल्लवी को मेरे बारे में अपनी तरफ से कुछ बताओ ना। देखो भैया, बात करने से प्यार नहीं होता, ये बात ध्यान रखो, फीलिंग होनी चाहिए। वो बस नहीं है, ऐसी वैसी बातें पसंद नहीं है, और तुम फालतू में उसके पीछे पड़कर हमारी फ्रेंडशिप डैमेज मत करो।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो, अब मैं समझ गई। वो जहाँ भी जाती है तुम वहीं प्रकट हो जाते हो। शाम को हम लोग फूल लाने बाजार जाने वाले, वहाँ मत आ जाना, समझे? नहीं आऊंगा। क्यों आऊंगा? मेरी भी इज्जत है, शाम को मैं वहाँ किसी भी हाल में नहीं आऊंगा। चलो यहाँ से लेते हैं, आगे चलते हैं। ओके। वहाँ देखो ना, यहाँ देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी। कितने में दे रहे हो? ले लीजिए, 50 रुपए का। हाय। तुमने मुन्ना भी आ गया? क्या करूँ, दिल नहीं माना। ओह गॉड। ये गजरा गजरा लोगे? ए, 20 रुपए का दो ना। हाँ देता हूँ। मीना, चलो वहाँ देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ए! ये टोकरी कितने में थी? कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। चलो चलो चलो। ए, ये क्या चक्कर है? क्या हुआ भाई? वो खरीदने आई थी, तुमने सब खराब कर दिया। चलो पैसे निकालो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। देना ही पड़ेगा क्या? अरे देना ही पड़ेगा, जल्दी करो जल्दी करो। लो भाई। अरे ला ना पैसे, ला। एक दो, ये लो अपने फूल, ले जाओ यहाँ से। ये सारे फूल के कितने? सारे फूल का 1000 रुपया। क्यों उसे रुलाना चाहती हो? चुप रहना, बताती हूँ। कम तो गए काम से। निकालो। क्या? रुपया रुपया 1000 सबका। अब सब फल तुम्हारा है। बहुत स्टाइल में खड़ी है बुलबुल। हाय। कॉफी प्लीज। नो थैंक्स। तुम खुद पी लो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। आई डोंट वांट। प्लीज मैडम, आप मेरे से इतना बंद करो। ओके, देखिए मैंने अपने हाथों से बनाई है। गेट लॉस्ट आई सेड। ओके, देखिए आपके लिए स्पेशल बनाई है। नहीं चाहिए, कहां ना। प्लीज नहीं मानोगे ना? दिल रख लीजिए ना। तुम दोनों को कितनी बार समझाया कि लड़ा मत करो। चूड़ी वाले को आए 1 घंटा हो गया है, उसने चूड़ियां दिखाने शुरू कर दी। वो पहले क्यों आया साहब? दिमाग नहीं है क्या? चलो हम दोनों पहले। तुम दोनों के लिए यही है, चलो यहाँ से। बेवकूफ कहीं के, एकदम यूज़लेस पहले उस। ए, तुझपे कलर बहुत अच्छा लगा। नहीं, कलर इन्हें पसंद नहीं है। देखो आंटी, अभी से होने वाली पति की बात मानती है। देख रही हो? हाँ, तुम्हारे लिए। बाबू क्या करण? करण? मामा जी, हम दोनों जरा बाहर जाके आते हैं। बाहर क्यों मामा जी? यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आप भी बैठिए ना। बैठी बैठी बैठे, मैं भी बैठे क्या? जरूरी है ना? मामा जी, आपकी अग्नि परीक्षा क्या है वो? अगर आप वाकई मामी से प्यार करते हैं तो आंखें बंद करके हरी चूड़ियां उठाइए। अरे वाह, ये तो खतरनाक है। बेटा बोल तो, आंखें खोल कर सारी हरी चूड़ियां निकाल लूं? ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, आंखें बंद करके निकालनी पड़ेगी। निकालिए। चलो बेटा, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। मुझे विश्वास है मैं जरूर हरी चूड़ियां निकाल लूंगा। अरे मर गया। अंदर आइए। तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। सुनो, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मामा जी फंस गए। अरे मेरी बात सुनो। अब मैं उस लड़की का नाम सोचता हूँ।
देखना मेरे हाथों में हरी चूड़ी आएगी। हाय स्वीटहार्ट, हाय, पैदल जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। वाह, तुम तो एथलीट हो यार, क्या बात है, क्या बात है। वैसे तुमने इस बारे में मुझे कभी बताया नहीं। शट अप, जाओ यहाँ से। मैं तो जा ही रहा हूँ। ओके, अभी भी मौका है। गेट लॉस्ट। हेलो। हाय दादाजी। सभी से प्यार से रहते हो ना? पल्लवी, पल्लवी से हमने दिल की बात की। की थी, पर वो मुझे पसंद नहीं करती। तुम हार मत मानना बेटा। आप शादी में आएंगे ना? मैं हार नहीं मानने वाला हूँ दादाजी। ठीक है, लेकिन वो लड़की सभी से प्यार से बात करती है ना? अरे दादाजी, क्या बताऊँ आपको, सबसे प्यार से बात करती है, सिर्फ मुझसे प्यार से बात नहीं करती। ऐसा क्या? तेरी बातें सुन के मुझे दुख हो रहा है। हैं? सच में बता क्या बात है। क्या नहीं हुआ था? दादाजी आप हंस रहे हैं। प्यार करना हंसाने क्या बेटा। उस समय ये तेरी बुढ़ी दादी शादी से पहले मुझसे दूर भागती थी, और जैसे ही शादी हुई वो हाथ पैर धो करके बुरी तरह से मेरे पीछे 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 ही पड़ गई। वो बात नहीं है दादाजी, वो बहुत घमंडी है। इसकी चिंता मत करो, सुंदर लड़कियों को गुरूर होता ही है, तेरी दादी भी ऐसी थी। क्या कह रहे हैं दादाजी? हाँ सही कह रहा हूँ, तेरी दादी भी ऐसी थी। मुझसे बोलती है अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे ऐसा ही होता है, लड़कियाँ ऐसा ही करती है। मुझसे नफरत करती है दादाजी। नफरत ही तो प्यार है। आप सही कह रहे हैं। अपनी कसम खाता हूँ, पहले तुम उस पत्र को लाइन पर ले आओ। पता नहीं कैसे मेरा पोता बन गया। दादाजी आपने मुझे चैलेंज किया ना, अब देखिए मैं अपना कमाल दिखाता हूँ। पहले पटा के दिखा। ए, अगर तू उस लड़की को नहीं पटा पाया तो लंगोट पहन के वापस आ जा, फिर मैं तुझे ही खेती का काम सिखाता हूँ। पल्लवी अब देखना मेरा कमाल, कैसे तुम्हें पटाता हूं मैं। खूबसूरत मान जाओ ना, ना मुझसे शर्मा यूं ना घबरा, पास आओ ना। ओ हसीना खूबसूरत मान जाओ ना, ना मुझसे शर्मा यूं ना घबरा, पास आओ ना। जब तक हमसे हाँ ना कह दे छोड़ूंगा ना तुझको मैं, तू जो मांगे जा दे दूंगा, हंस के मेरी जान तुझ पे। मुझे नशा है तेरे प्यार का, तू उतार दे ये नशा, मेरे पास आ मेरे जान जा, यूं ना मुझे तू सता। ओ हसीना खूबसूरत मान जाओ ना, ना मुझसे शर्मा यूं ना घबरा, पास आओ ना।
अरे के दिल मेरी जहाँ कहाँ तू चली, दो घड़ी बस रुक जाना मेरी तू अनारकली। पीछे पीछे पढ़ पढ़ के आज तू फंसी, जाने दूंगा ना तुझको दिलबर तू है मेरी। जब तक ना तेरा दिल यूं हमसे मिलेगा, पागल दीवाना दिल नहीं तुझको छोड़ेगा। ये दिल ये तेरा कैसे छोड़ दे, अब तो तू अपनी जिद छोड़ दे। हसीना खूबसूरत मान जाओ ना, ना मुझसे शर्मा यू ना घबरा पास आओ ना। पाऊंगा तू है धड़कन मेरी, आगे बस और अब ही जाने होगा क्या। अभी मेरे दिल के हिस्से में तू ही तू अब बसी, अब तो तुम भी हाँ कह देना मैं हूँ अब तेरा। कभी साथ ना छोड़ूंगा वादा है मेरा, जोड़ी सजेगी खूब तेरी मेरी, जोड़ी सजेगी खूब तेरी मेरी। ओ हसीना खूबसूरत मान जाओ ना, ना मुझसे शर्मा यू ना घबरा पास आओ ना। योग का चक्कर है, सलमान खान स्टार है, आने वाले समय में स्टार होगा या नहीं देखो, वो तो मैं हूँ। स्टार बनेगा तो इंटरव्यू, कोई भी स्टार बने उससे हमें क्या है, हमें तो बस आगे बढ़ने के लिए अपने स्टार की जरूरत है। चल हाथ दिखा। राहु में मंगल है, मंगल में शनि, शनि में साढ़े साथी है, तेरा तीन महीने में स्टार बनने का वक्त आ गया है, चिंता मत कर मेरे भाई, मैं हमेशा सही कहता हूँ, चुप हो जा। वाह रे वाह, शादी का रंग शक्ल पे दिख रहा है, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हो तुम। तुम्हारी शादी 13 तारीख को होने वाली है, ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई है क्या? तू चुप कर भाई, मेरा भी हाथ देखिए ना। हे पर्वत पर रहने वाले ईश्वर, इस लड़की की जिंदगी में क्या होगा तुम बताओ, आपका हृदय बहुत कोमल है, आपके मन में जो भी होता है सबको बता देती है। उसकी कुंडली बाद में देखना, ये मेरी दोस्त है, पहले इसका हाथ देखकर बताओ। अभी बताता हूँ। जाग जा पर्वत पे रहने वाले परमेश्वर, अरे ये मेम साहब के हाथ की रेखा देखकर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ। इस मेम साहब को ईगो ज्यादा है, सबको गलत समझती है, ये जानने के बाद भी गलती इसी की है, अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानती, मैं भी शायद प्यार में भी फंस जाएगी। कुंडली देखो, चूहा कुंडली देखो, चूहे ने कब काटा था ये बताएगा, चूहा कब काटेगा ये भी बता देगा, सिर्फ यही नहीं जो नहीं हुआ है वो कब हो सकता है ये भी बताएगा। चूहा कुंडली देखो भाई, चूहा कुंडली देखो। भाई साहब ये क्या है? भाई साहब ये क्या है? ये तोता है, ये चूहा है। देखो भाई। देख रहा हूँ। दादाजी के जमाने से कंप्यूटर के जमाने तक सभी तोते के कुंडली पर भरोसा करते हैं, कैलेंडर पैदा होने से चार मीनार बनाने तक सभी चूहा ज्योतिष पर भरोसा करते हैं। मेरा तोता बात करेगा भाई साहब,
अरे भाई साहब, हमारा चूहा भी बिना बोले नहीं रह सकता है। इसने पर्वत में रहने वाले परमेश्वर का आशीर्वाद लिया है। समंदर में रहने वाले देवता का आशीर्वाद लिया है। ये कहाँ का है? चूहू का है। मुंबई का चूहा है क्या? जी, अमिताभ के घर पे पकड़ा है। इतना तंदुरुस्त नहीं, 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 हमसे खेल मत खेलो। हम तोता ज्योतिष बताते हैं, तुम हमारा चूहा कुंडली बता के दिखाओ। ज्योतिष से लड़ने के लिए तैयार हो? शर्त लगाते हो? शर्त लगाऊं? अपना काम हो गया, ठीक है। प्यारे, 500 रुपया। 500 रुपया? देखो, 500 रुपया बहुत ही कम है। 1000 रुपए रखो। आज तो मजा आएगा। आप छुप के बात क्यों कर रहे हो? ये पर्सनल है ना। क्या करना बताओ? अभी आप पिंजरा खोलोगे तो आपका तोता क्या करेगा बताओ? उड़ के भाग जाएगा। यही पर आप हार गए। कैसे हार गया? मैंने कहा ना कि हार गए। वो कैसे बताओ? हम अगर पिंजरा भी खोलेंगे तो हमारा चूहा बिना ऑर्डर के बाहर नहीं निकलेगा। गेट खोलने पर भी चूहा नहीं भागेगा, ये कैसे? इसका दिमाग खराब है। 1000 का लाभ। हाँ, मैं रेडी हूँ। मैं एवर रेडी हूँ। खोल दो। तुम भी खोलो। स्टेबिलिटी कम है और हमारे चूहे की एबिलिटी ज्यादा है। हमें भी पता है। ये कैसे हो गया? चूहा मरा हुआ है। आ जाओ बहन, आराम से, देखना देखना, फिसलना नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ। वेलकम। अरे अरे अरे, सुनो तो। मैं मैनेज कर लूंगी। अरे कमाल, मैनेज कर लूंगी। हाय। अरे ये तो बिल्ली की तरह बिफर रही है। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। क्या हो गया तुम्हें? गुस्सा हो मुझसे? बोलो। हे भगवान, इससे पीछा कैसे एक ही रास्ता है, नदी में कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। मैं नहीं छोड़ने वाला। अच्छा है तुम उस नाव में नहीं चढ़ी, इसमें चढ़ गई। इसमें हम दोनों अकेले हैं, प्यार से बातें करेंगे। तुम ही तो आए थे इसमें, मैंने तो उसमें बुलाया था। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अंदर कूदना चाहती हो तो कूद जा। अरे ये मेरे बेड पे आकर कौन सो गया? कौन हो सकता है? डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, मैं कहीं और सो जाता हूँ, यहाँ ठीक है। हाँ, ओके। मैं इस लड़की के पीछे पड़ा हूँ या ये मेरे पीछे पड़ा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये लड़की यही है ना? छू कर देखता हूँ। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ। How dare you touch me? मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे की? मैनर्स नहीं है तुम में, कैरेक्टरलेस। कंट्रोल योरसेल्फ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये रूम मेरा है और ये बेड भी मेरा है। ये कौन सा नया झूठ है? मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर लिया। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम कौन होते मुझे सिलेक्ट करने वाले? शादी मेरी है तो डिसीजन भी मेरा ही होगा। मेरी शादी में दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं। सबकी पसंद अलग होती है, मेरे बारे में तुम्हारी सोच अलग हो सकती है, ये गलत नहीं है। I'm sorry. मैं भी संस्कार जानता हूं। अमेरिका बाबू, अमेरिका बाबू, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? क्यों आए हो यहाँ? मैं लड़की को दूध देने आया हूँ। लड़के के रूम में आकर बोल रहे हो कि लड़की के लिए दूध लाया हूँ? अंधे कहीं के? मंद बुद्धि, ये लड़की का रूम है। अरे ये लड़के का रूम है। अबे ओए, मैं सामने लड़की को इस रूम में रहने के लिए कहा था और मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ और ये लड़की का रूम है। साहब ने लड़के को इस रूम में रहने के लिए कहा था, इसलिए लड़के को मैं इस रूम में लेकर आया हूँ। मैंने करण को यूं ही डांट दिया, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। आखिर वो इतना बुरा नहीं है। हाय, कॉफी प्लीज ले लो।
प्लीज कॉफी। बुलाना नहीं चाहिए। ए, ए, ब्रू कॉफी सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, प्लीज पी लो ना। देखो ना स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है, ले लो ना, तुम्हें पसंद आएगी। प्लीज छी, इसके भरोसे पर मैं फिल्म देखने चली गई, मैंने गलती कर दी। यो भाई जब शराब की पार्टी है लड़की नहीं आ गया वादी, एक लड़की अकेले आ रही है। चलो आज मजा करते हैं, आज तो मजा आएगा। क्या माल है बॉस, अरे कहाँ जा रही हो? आज तो मजे रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? हम सब लड़कियाँ बगल के गांव में फिल्म देखने गई थी, सब मुझे छोड़कर चली गई। इट्स ओके, चलो चलते हैं। हम पैदल चले क्या? नो नो इट्स ओके, बाइक से चलते हैं। ओके कम ऑन। अच्छा लड़का समझ रही थी, पर ये तो प्रीति के साथ। तुम्हारी शादी का माहौल देख के तो मेरा भी जल्दी ही शादी करने का मन हो रहा है। तो कर लेना शादी। शादी तो कर सकती हूँ, पर तुम्हारे होने वाले पति की भी हाँ होनी चाहिए। मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पति को छोड़ देती हूँ। अगर होगा तो मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूंगी। उसके लिए भी बहुत लड़कियाँ हैं। हाँ, ये क्या कह रही हो? गोकुल के कृष्ण की तरह तुम्हारा भाई हमेशा लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, सच नहीं है क्या? मैंने खुद ही देखा था, कल रात प्रीति के साथ बाइक पे आया था। यकीन नहीं तो प्रीति से पूछ लो। बस करो। सुनो पल्लवी, कल रात मुझे करण बाइक से छोड़ने आया था, मुझे इम्प्रेस करने के लिए नहीं, ना ही मुझे पटाने के लिए। कल रात हम दोनों को बाइक पर एक साथ देखकर तुम गलत समझ गई ना। रात को कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे, इसलिए उनसे बचा के मुझे यहाँ तक ले आया। बस चलते हैं। मैं जानती हूँ तुम भगवान से कुछ मांगना चाहती हो। वो भगवान है ना, बिन मांगे ही सब दे देते हैं। चलो दर्शन करते हैं। तो पागल है क्या? कैसे कैसे बातें कर रही है? सच में मैं पागल हूँ प्यार में। वो नदी के पास शिव मंदिर है ना, सुनाई दे रहा है ना? बस कर, बहने ने भी सुन लिया होगा। चल चलते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है किसी का इंतजार कर रही हो। किसी का इंतजार नहीं। तुम तो झूठ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। जिससे तुम दूर होना चाहती हो पल्लवी, वो खुद ही तुमसे दूर चले जाने वाला है। मतलब वो अमेरिका जा रहा है। तुम्हारी शादी तक नहीं रुकेगा? मेरी शादी में रुकने से अच्छा अगर वो अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी।
हेलो क्या बात है, जा रहे हो? हाँ जी, अगर मैं चला जाऊंगा तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। करण मेरे लिए रुक जाओ ना। प्लीज क्या तेरी प्यारी सुंदरता है रे, ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया 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 प्रिया। जिम बूंदे दिल से पूछे तन क्यों जले रे, प्रेम का सागर आज क्यों छल के दिल से पूछ लो रे। प्रेम की दीवानी तू मुझको ऐसे ना छेड़ना, आगे ना जाने क्या होगा मुझको ऐसे ना देखना। तेरे प्यार प्यार होठों का जो रस चूस लूं तू मुझको अब ना रोकना रे। ओ प्रिया ओ प्रिया 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 ओ प्रिया। दरिया मीठा मीठा नजारे देख लो, ऐसी है सर्दी मक्खन जैसी संभल के जरा चलो। पीस लूं कभी जो है तो मुझे तो ही थामना, तुझे ना मैं याद करूं जो ऐसी कोई रात ना। यहां वहां ढूंढ तुझे कहां तू सुन ले ओ दीवाने रे।
ये दिल है बेकाबू, है तेरा क्या जादू। ये दिल है बेकाबू, है तेरा क्या जादू। क्या तेरी प्यारी सुंदरता है रे ओ प्रिया, ओ प्रिया 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 ओ प्रिया। हाय, हैं? प्यार में फंस गए पल्लवी करण? नहीं, प्यार में पागल हो गए पल्लवी और करण। प्यार तो अंधा होता है और बहरा भी होता है ना आपके जैसा। तुम्हारी जैसा चेला हो तो गुरु की तो वाट लग जाएगी। चलो अपना काम करते हैं। गुरु, इसके सेंसर प्रॉब्लम होगी। प्रेम में पल्लवी करण। अरे साहब जी, ये अंधा है तो टकराया, आपके तो आंखें। क्यों, सब घर में अंधे ही हैं। ए, मैं तुम लोगों से टकराया तब भी नुकसान मेरा ही हुआ ना। मेरा दिमाग मत खाओ, चलो यहां से। सिंसियरली काम करें तो भी सर पर मारते हैं, ऐसा क्यों? अरे गधे, मालिक जी हट, चल भाग। अच्छा तो यहाँ है। तुम्हें क्या लगा सच में कूद गया? सच में कूदू क्या? प्लीज। सुनो बेटी, कहाँ पर हो? क्या है, क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हो? आज के दिन संभल के रहना पड़ेगा। क्यों, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बेटी की शादी में दोनों के परिवार जो आने वाले हैं। दोनों यहाँ आके लड़कर अपना सिर फोड़ने के लिए आएंगे क्या? यही मेरी चिंता है, वो दोनों आमने सामने आएंगे, इसलिए मुझे डर लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये शादी होने तक आप दशरथ मामा को संभालिए और प्रकाश भाई को मैं अपने तौर पे संभालूंगी। उन दोनों का रहना बहुत जरूरी है, दोनों के दिलों को दुखाए बिना ये शादी अच्छे से हो जाए। वो दोनों पागल नहीं है, वो एक दूसरे से बात नहीं करते। तुम मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? साहब जी, सीताराम को मैंने आपके कमरे में रुकवा दिया। और जयप्रकाश के परिवार को? उनको बगल वाले कमरे में रुकवा दिया। मैंने कहा था गड़बड़ होके रहेगी। मैं
दशरथ जी भी आए हैं, आप दोनों को यहाँ देख के अच्छा लगा। मालूम है तेरे को क्यों मारा? तूने उसका यहाँ नाम लिया, दोबारा अगर तूने उसका नाम लिया तो यही बिछा दूंगा तेरे को, समझा? अरे इस तरह नाराज क्यों होता है? मालूम होता ये बेईमान भी यहाँ आने वाला है तो मैं शादी में नहीं आता। कौन है बेईमान? तुम लोग जैसा धोखेबाज खानदान नहीं है हमारा, हमारा खानदान जवाब देना जानता है। खानदान की बातें क्यों कर रहे हो? अरे तू चुप हो जा, हम लोग यहाँ शादी में आए हिसाब चुकाने नहीं। आप ही की वजह से मैं चुप हूँ, नहीं तो कब का एक कसर काट के आपके कंधों में रख दिया होता। चुप कर नालायक, जब मेरी पूछ आई थी तब तेरा बाप लंगोट भी नहीं पहनता और तू चिल्ला रहा है बहुत गर्मी है, चल लड़के दिखा। अच्छा तो तुझमें बहुत दम है बुड्ढे। अरे तू चुप है, इसको यहाँ से लेकर जाओ, जाओ। आप लोग रुक जाइए, मेहरबानी करके आप दोनों परिवार मेरी बेटी की शादी में मत लड़िए। दादाजी आइए, जीजा जी आप भी आइए। आइए आइए माँ जी। मुझे तुमसे दो बार प्यार हुआ, पहली बार जब मेरे पेरेंट्स ने बताया और दूसरी बार जब मैंने तुम्हें देखा। पेरेंट्स? दादाजी सभी दुखी लग रहे हैं ऐसा। इस शादी में जयप्रकाश आर्य के आने से लगता है जैसे पंच महाकाल आ गया है बेटा, कोई भी दिल से खुश नहीं है। लेकिन दादाजी ये दुश्मनी कैसे हुई? तुम्हारे पिताजी और जयप्रकाश दोनों जिगरी दोस्त थे बेटा, अपने भाई से भी ज्यादा उसे प्यार करते थे, लेकिन जयप्रकाश ने उस दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ के रख दी। तुम्हारे पिताजी जैसे अच्छे दोस्त को उसने गवा दिया। भाभी भाभी ये बात आप खुद मेरे भाई से कह दो ना प्लीज। मैं कैसे बोल सकती हूँ, तुम्हारे भाई को कॉफी देने जाते वक्त मेरे हाथ पैर कांपते हैं, मैं नहीं बताऊंगी, तुमको खुद को ही बताना होगा। अरे मैं कैसे बताऊँ, आप मेरी हेल्प कर दो ना भाभी प्लीज। लक्ष्मी तुम्हारा ये चलन ठीक नहीं है समझी, तुम्हें अभी तक मैं अपनी बहन समझता था पर मेरी बिना जानकारी के तुम प्यार में पड़ गई। हाँ भैया। कौन है वो भैया? वो पगली बहना, तेरी पसंद को कभी मैंने मना किया है क्या? पता तुझे नहीं पता मैं प्यार की कितनी कदर करता हूँ, और तुमने तो मेरे दोस्त के भाई से प्यार किया है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारी मंगनी तय करके आया हूँ। कार्तिक महीने में तुम उनके घर चली जाओगी, तुम उस घर में रहो या इस घर में एक ही बात है ना। मैंने पहले ही कहा था ना ये बात अपने भाई को बता। ये क्या, तुम्हें पता था? कोई भी बात पहले आदमी को पता चलती है बाद में औरतों को। ओह
अरे देख राज, अभी तक एक दूसरे को हम आरे जारे कहते थे, लेकिन इन दोनों ने तो ये रिश्ता ही बदल दिया। अब मैं तुझे क्या क्या के बुलाऊं समझ में नहीं आ रहा। दशरथ, हम दोनों एक दूसरे को मरने तक ऐसे ही पुकारते रहेंगे। जो भाई सुन रहे हो ना, हम लोग बचपन से ही किसी भी बात पर नहीं लड़ते थे। तुम दोनों के पति पत्नी बनने के बाद हम दोनों के बीच में लड़ाई मत करवाना भाई, क्योंकि हमारी जानकारी के बिना ही प्यार किया। लोग शादी करने वाले हैं, खुश हो जाओ। कृष्ण अर्जुन जैसे तुम्हारी जोड़ी को कहीं मेरी नजर न लग जाए। एक घंटा भी अपनी बहन को नहीं देखता था तो तेरा बाप तड़पने लगता था। सोच उसी समय वो पूरे एक दिन नहीं दिखाई दी। उसे हम सब ने हर जगह तलाश किया। सुनी दशरथ ने लक्ष्मी ने, लक्ष्मी को देख बेटा, लक्ष्मी को देख, हमें छोड़कर चली गई लक्ष्मी। ये देखो क्या किया लक्ष्मी ने। बेटा शादी के मंडप में तेरी बहन को बैठना था बेटा, जब उसे पता चला कि वो लड़के के किसी और से संबंध है तो लक्ष्मी ने उसके पैर भी पकड़े, लेकिन उसने मना कर दिया। और फिर हमारी प्यारी लक्ष्मी अपनी सूरत नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए हमें छोड़कर चली गई बेटा, चली गई। तू उसे अपना दोस्त कहता था ना, अच्छा उसने क्या किया, ऐसे दोस्त का तो काट डालना चाहिए। तू जा। अरे तू मेरी बात तो सुन। ए, तुम धोखेबाज हो। मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में कहा था तो भी मैंने उन पे भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मैं जब तक तुम्हारे भाई को मार नहीं देता तब तक मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दशरथ तू मेरी बात मानकर उसे छोड़ दे। छोड़ दो उसे। दशरथ तू गुस्सा मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या सुनो? गलती करने वाले अपने भाई को भगाकर तूने ठीक नहीं किया। जेल गंडा से पकड़। हाँ? जब अपने हाथों से अपने भाई को मार लेगा तभी हमारी दोस्ती रहेगी, वरना हमारी दोस्ती की कसम मेरे लिए तू मर गया। देखो दशरथ। तब से जयप्रकाश राज से तुम्हारे पिताजी का रिश्ता खत्म हो गया। जयप्रकाश राज ने कई बार तुम्हारे पिताजी से मिलने की कोशिश की, पर तुम्हारे पिताजी उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। एक दिन जयप्रकाश राज का भाई मर गया। सीधी साधी लड़की को उसने धोखा दिया। वो तुम्हारे पिताजी के हाथों मरने वाला था, लेकिन ऊपर वाले ने उसके लिए खतरनाक मौत लिख दी। मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। जिस दिन उसने मेरी बात टाल दी तो मैं उसका पिता कहलाने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, अगर मेरी वजह से आपका सिर नीचे हुआ है तो मेरा जिंदा रहना बेकार है। भगवान के इस मंदिर में तुमसे एक बात कहता हूँ, मुझे भूल जा। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? पता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बचपन से अपने पेरेंट्स से दूर रहा हूँ, अपने प्यार की वजह से उनसे दूर रहूं, ये नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स नहीं है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज पल्लवी, समझने की कोशिश करो। हमारे परिवारों के बीच खानदानी दुश्मनी है, हमें इस झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए। अपनी खुशी से ज्यादा हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमारी खुशी के लिए सब कुछ सहते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर इन लव, नॉट इन लाइफ। बाय।
आने वाले गुरुवार के दिन का अच्छा मुहूर्त है, उस दिन आप मंगनी तय कर लीजिए। बढ़िया है जीजा जी, मैं तो डर ही गया था। क्यों? बात यह है ना, दामाद जी अमेरिका से आए हैं, हमारी बेटी से शादी करेंगे कि नहीं, बस यही सोच सोच के डर रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है। वो कौन है पता है? सीताराम का पोता है। आपको एक बात कहूँ, अमेरिका में भी नारियल पियेंगे तो ऐसे ही टेस्ट मिलेगा। सही कहा आपने। देखा, हम इसकी बातें कर रहे थे, खुद ही आ गया। तू 100 साल तक जिएगा बेटा। बेटा तुम मेरे दामाद बन रहे हो, मेरी खुशी में बयान नहीं कर सकता। अरे आप ये क्या कह रहे हैं, आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना के हमें बहुत खुशी हो रही है। क्यों करण, आने वाले गुरुवार के दिन शादी है, तुम्हारा क्या कहना है? आपकी मर्जी दादाजी। क्यों बेटा, करण की शादी हमारे घर में होने वाली आखिरी शादी है और धूमधाम से होनी चाहिए। एक बात और, हमारे पोते की मंगनी हमारे घर में हो तो आपको कोई इतराज तो नहीं? मतलब? अरे सोच क्या रहे हो, हाथ तो मिलाओ। ऐसा कुछ नहीं है, इसके भाइयों की भी मंगनी यही हुई थी। हाँ जी, और ये हमारे प्यारे बेटे की शादी है। कोई बात नहीं, जो आप सब कह रहे हैं वैसे ही होने दीजिए। साहब जी वहां देखिए, घर में कोई बड़े लोग नहीं है क्या? तुम्हारी नजर में मैं बच्चा दिख रहा हूँ क्या? आई मीन तुम्हारी उम्र वाला मैं हूँ ना, तेरी शक्ल देख के तू तो बच्चे से भी छोटा लगता है। साहब जी तो टेढ़ा आदमी लगता है। हेलो, क्यों रे, ये अपने जिले में नया कलेक्टर आया है क्या? साहब जी ये किसी कलेक्टर की शक्ल वकल नहीं लगती, अलीबाग से भाग के आने वाले की शक्ल लगती है। अरे क्या सोच रहा है तू, कोई भी नहीं बचना चाहिए, खत्म कर दो। अरे शर्म नहीं आती, प्रोफेशनल होकर भी गंडासा नहीं तो चाकू से मार दो। अरे बाप रे, आज 10 सर कलम होना चाहिए वरना काम नहीं बनेगा। ओके पहले सर काटो फिर चमड़ी निकालो, बाद में हाथ पैर के टुकड़े टुकड़े करके गर्म पानी में डाल दो, हो गया। ये तो जल्लाद की औलाद लग रहा है साहब जी। पता नहीं कौन है, पहले तुम जोर से दबाना बंद करो, वो कौन है जाके पता करो। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। बच्चे उधर पलटो। मैं पीछे मुड़ा तो ये मेरे साहब जी को मार देगा लगता है। मालिक आपके घर में शादी की खुशी आने वाली है ऐसा हमें सुनने को मिला है, आप हमें खाना बनाने का मौका दीजिए, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या कहा, तुम खाना बनाने वाले हो? लेकिन अभी तो तुम चमड़ी उतरवा रहे थे। हाँ जी, बकरे को काटने के लिए कहा था, उसकी चमड़ी नहीं उतारेंगे तो कैसे चलेगा, बिरयानी बनानी है। अरे यार तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वो सब तो ठीक है, तुम खाना तो अच्छा बनाते हो ना। मैं कमाल का खाना बनाता हूँ, मेरा बनाया खाना खा के जिंदा रहे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, वरना मुझे पता चल जाएगा। बड़े मजा किया तुम, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें दिया। ये क्या साहब जी, ये तो प्लेट धोने वाला लग रहा है, आप इसे खाना बनाने के लिए रख रहे हैं, थोड़ा देखिए ना बंदर की तरह लग रहा है। पहले के सारे लोग भी इसी पोजीशन में घर में आए थे। थोड़ा सोच समझ कर फैसला कर लीजिए। सोच समझ के ही फैसला लिया है, तू चुप रहा। ठीक है भाई, हमारे करण की शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे लोग आएंगे, इतने लोगों का खाना अकेले कैसे बनाओगे? अकेला नहीं हूँ मालिक, मेरे पीछे बहुत बड़ी फौज है, बुलाओ क्या? ए! सोना रे सुन सुन सोना रे सुन सुन सोना रे सोना रे। आ जाओ, यही मेरी फौज है मालिक। नमस्ते। लेकिन ये लड़की कौन है? ये शकीला है, अपनी पत्नी। अपनी पत्नी? सबकी पत्नी है। हाथ हटा। सुन, इन सबको कहाँ काम करना है बता। ए, जा काम पे ध्यान दे। डर मालिक। चलो। हेलो, वहाँ पर खाना बनाने वाले संध्या को बुलाइए, मैं ऐसा ही सीधे लिंगम बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, वो टकलू, अगर मैं उसके हाथ लग गया तो मैं गया। हेलो हेलो, यस, कौन खाना बनाने वाला? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, कहो किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? किससे? हाँ,
हाँ बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बन गई, दीवार पे पेंट करो। दीवार पे पेंट करो, तो बराबर बन गया। क्या बन गया भाई, तुम कौन हो? और खिड़की का काम वो तो पागल हो जाएगा। हेलो, बराबर सुनाई नहीं दे रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है? बोला ना सुनाई नहीं दे रहा। ए टकले, तेरे सर पे बाल है क्या? तू कौन है? चल फोन रख। अच्छा वह बाल बाल बच गया, सोचेगा कि कोई पागल है। बेटी उसको भी दर्शन करने के लिए बुलाओ। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, आप जाइए, मुझे जरा बाहर काम है। बेटी यही है इसकी हरकतें, पढ़ाई के नाम पर तुम विदेश जाकर मुझसे दूर हो गई, मगर ये संस्कारहीन बैल की तरह घूमकर मुझसे दूर हो गया। मतलब पिताजी को क्यों दुख दे रहे हो, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए ना। क्यों तुम नहीं घूमती हो? अमेरिका से आकर मंगनी और शादी के चक्कर में इधर उधर घूमती रहती हो। वैसे मैं भी घूमता हूं, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। चलो हम चलते हैं। इसी मंदिर में तुम्हारी मम्मी के साथ मेरी शादी हुई थी बेटा। मेरे बचपन के दोस्त दशरथ ने यहाँ साथ रहकर हमारी शादी करवाई थी। तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई, और वो भी मुझसे दूर चला गया। पिताजी वापस मिलने का मौका नहीं मिलेगा? मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं मरने से पहले उसकी नाराजगी पूरी तरह खत्म कर दूंगा। वापस वापस हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये मेरी तमन्ना है बेटी। हाँ अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो अपनी प्यारी बेटी की शादी उसके हाथों से करवा दूंगा। अच्छी तरह से, सच्चे मन से, सही जगह पर सच्ची विनती करी तो जरूर होगा। मैं करवा दूंगी पिताजी। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था, आज के दिन सेल बदलने के लिए बोला था। शाम को उस लड़की के पास जाकर अपना सेल लेकर आता हूँ। मना किया था, फिर भी हम वापस मिले ना। अब तुमने क्या फैसला किया है? मैं अपना फैसला बता चुका हूँ। पिताजी तुम्हारे पिताजी से नफरत नहीं करते, वो चाहते हैं हम दोनों का परिवार एक साथ हो जाए। गलती तुम्हारे पिताजी की थी, वो नाराज क्यों होंगे? दोनों परिवारों को मिलाना नामुमकिन है, भूल जा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे प्यार करने पर मजबूर किया। जवाब दो, मुझसे शादी करके खुश नहीं रह सकते तुम? पेरेंट्स पेरेंट्स कहते हो, तुम खुश नहीं रहोगे तो वो कैसे रहेंगे? तुम्हें दुखी देखकर वो भी दुखी होंगे ना। इस तरह चुप मत रहो, जवाब दो। प्यार अंधा होता है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा हूं। आई एम सॉरी, योर सेल। प्यार छुपाकर क्यों नाटक कर रहे हो? लोग तो दूसरों का दिल दुखाते हैं, पर तुम तो खुद को ही चोट पहुंचा रहे हो। सोच समझकर फैसला करना। यमराज की जय हो। बोलो। चार और पांच। सांबर अच्छा बनाना भाई, लोग खुश होने चाहिए। तू बस यही खेलते रहना,
खाना बनाते बनाते तेरा दिमाग खराब हो गया, किसी काम का नहीं रहा तू। गर्मी कम करने के लिए मिर्च नमक कम करना होगा। क्यों भाई, गर्मी ज्यादा हो गई है? नहीं, तुझे है क्या? अरे क्या ढूंढ रहे हैं मामा? ATM टाटा सेल फोन, मैंने लड्डू बनाते वक्त यही पास में रखा था। लड्डू खत्म करने के बाद देखा तो वहाँ नहीं था, कहाँ गया पता नहीं। लगता है लड्डू में मोबाइल मिक्स हो गया है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी ज्योतिष देखता। मोबाइल कहाँ है बता सकता है? कर रहा है क्या? नहीं सच बता। उस पागल से पंगा मत लो, तुम अपना काम करो। महाकाली दो सिक्सर, वो तो लड्डू में मिक्स हो गया है। क्यों भाई, आपका सेल खो गया क्या? मोटू, तूने कहीं छुपा कर रखा है क्या? लगता तुझे काम पर रखकर मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या, मेरा फोन बज रहा है? कहाँ है? ऐसा लग रहा है कहीं अंदर से आवाज आ रही है। अरे पागल, मेरा प्यारा सा सेल फोन तूने पेट में छुपा लिया है क्या? आपका सेल मेरे पेट में है क्या? मेरे लड्डू खाते वक्त लड्डू के साथ सेल भी अंदर चला गया, मुझे लगा था कि बिस्किट है। क्या रे, बिस्किट समझ के मेरा सेल फोन खा गया? ये ले पागल कहीं का। खाना बनाने के लिए अर्जेंट ऑर्डर के लिए फोन आया होगा, अपना हाथ हटा। हेलो बोलिए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे बोलो ना कुछ। हेलो, फोन खा लिया तूने, तू मुझे फंसा के रहेगा। मोटे भैंसे दर्द कहीं का, कब फोन आ जाएगा पता नहीं, साथ में रह। ये सेल फोन से नहीं, लैंडलाइन से फोन आ रहा है। लैंडलाइन फोन हो या सेल फोन हो, तू मेरे पीछे रह। क्यों भाई, जैसे लड़की को छूते वैसे काट रहे हो, जल्दी काटो जल्दी काटो। तू मेरे पीछे आ बोटू। तुमने क्या किया बेटा? इस लड़की का नाम पल्लवी है, ये तुम जानते थे क्या? कल शाम को मंगनी होने वाली है, उस लड़की को क्या जवाब देगा बेटा? उस लड़की के अपने घर में आने तक हमें भी पता नहीं चला। जवाब दो बेटा, तुम इस लड़की को घूर क्यों रहे हो, जवाब दो ना। पिताजी, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की, ये मेरी पहली गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। कैसे माफ करेंगे बेटा, सच में तुम क्या बोल रहे हो, सोच कर तो बोल रहे हो ना। वो लड़की है बेटा, तुमने उसे बुलाया नहीं, फिर भी वो खुद अपने घर में आ गई। वो भी कहाँ से आई है जानते हो? अमेरिका का, अमेरिका से। सुनो बेटा, अमेरिका में तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना? तुम और वो लड़की अच्छे दोस्त हैं, ये वो भी बता रही थी, मीना की शादी में भी आई थी ना? उस वक्त ही इस लड़की के बारे में बताना था ना। तुम्हारी मंगनी है, तुमने इसे बुलाया नहीं तो भी ये आ गई, देखा? पागल कहीं का, करण ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ बेटी, तुम यह समझो कि हम सब ने बुलाया है तुम्हें। ऐसा ही समझ लेती हूँ दादाजी। ठीक है ठीक है, अब खाने का वक्त हो गया है, सभी लोग खाने के लिए चलो। सुनो भाई, ये मेरे साहब का बैग अंदर रख दो। हाँ ठीक है साहब। ऐसी बातों से झूमता है मन
चलना अब आई है शुभ घड़ी, अधरों के पीछे है मोती की लड़ी, तेरी सूरत निराली बावरी, मेरे मन की बजाए बांसुरी, हो मेरे संग तू चलना अब आई है शुभ घड़ी, मेरे संग तू चलना अब आई है शुभ घड़ी। अरे अरे ये सब काम तुम क्यों कर रही हो बेटी? अरे तुम करण की दोस्त हो, तुम बैठो। ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप जाके बैठ जाइए। मुझे आप मत कहिए, छोटी हूँ ना, मेरे नाम से बुलाइए। ठीक है पल्लवी, जाके बैठ जाओ। कोई बात नहीं, मैं दादी माँ के साथ बैठकर खा लूंगी। हमारे पोते की शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी शादी कब होगी? आपके पोते के साथ करूंगी, मेरा मतलब पोते की शादी में अच्छा लड़का देखकर शादी कर लूंगी। ये तो अच्छी बात है। ऐसा है। हाँ। तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। गधे की तरह क्यों चिल्ला रहा है? वो क्या है ना, मेरा पंप में हाथ लग गया था। ये बताओ बेटी, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी, इसके पिताजी का हैदराबाद में बिजनेस है। अमेरिका में मेरे पोते ने सिगरेट पिया है? अरे नहीं, वो माचिस तक नहीं छूता। अच्छी बात है, वहाँ ठंड है, रोज शराब तो पीता ही होगा ना। वो विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, बियर ये सब पीता है क्या? पीता नहीं है, पीने वालों से नफरत करता है। ओए करण, पल्लवी को खाना खाने के बाद ले जाके अपना घर दिखाओ। पल्लवी यहाँ एसी नहीं है। आपके दिल में जो जगह है उससे बढ़कर एसी वाला घर नहीं हो सकता दादाजी। मेरी प्यारी पल्लवी, तू अमेरिका में रह के भी ऐसी बातें करती है। मेरे करण की दोस्त को तुम लोग क्या समझते हो? अरे लगाने देना प्लीज। अरे अभी तक नहीं लगाया भाई। भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, करंट मत दीजिए, अंदर चार्ज हो रहा है। अरे मोटू, तुझे खाने के अलावा और कुछ आता है क्या? आधा घंटा संभालना। ये चार्ज होने से पहले डिस्चार्ज हो जाए तो इसको करंट देते हैं, अगर इसको झटका लगा तो ये भी मेरी तरह हो जाएगा, तब देखना। अभी एक को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अब दो को कैसे संभालेंगे? मामा चार्ज कर लो। अरे मैंने कहा ना चार्ज करो। हाँ कर लो। मामा मैं क्या कह रहा हूँ, इसको फल खिला खिला कर हम इसके पेट का ऑपरेशन कर डालेंगे। अभी आ सकते हो। एक कुंवारी लड़की का एक कुंवारी लड़की के कमरे में इस तरह आना, चुप क्यों हो गए? कह सकते हो होने वाली पत्नी के कमरे में आए हो। ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? ए, अपने आप को क्या समझते हो, मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? अब छोड़ा क्यों? हाथ तो तुमने प्यार से पकड़ा था ना। नहीं हो सकता, कहा था ना। घर वालों को पता चले कि तुम कौन हो, यहाँ से निकल जाओ। दादी जी। अब क्या हुआ? दादी को क्यों बुलाया? क्या है पल्लवी? सुनिए ना दादी जी, ये मुझे यहाँ से भगा रहा है। ऐसा कहा क्या? क्यों बेटा, ये क्या बोल रही है? वो बात नहीं है। कह रहा है मैं कौन हूँ ये बताने में से तकलीफ होगी, अगर उन लोगों ने कुछ गलत समझ लिया तो फिर वो लोग क्या समझेंगे। अरे क्या, वो लोग कोई आसमान से नीचे आए हैं, वो लोग भी अपनी तरह हैं। सुनो पल्लवी, इसकी शादी होने तक मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी, अगर ये कुछ कहेगा तो मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। तुम मुझे बताना, ये लड़की अमेरिका से यहाँ आई है और तुम इसे भगा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं इसे नहीं जाने दूंगी। देखा दादी माँ ने क्या कहा, इस बार अगर तुमने कुछ कहा ना, मैं दादी को सीधा जाके बता दूंगी। दादी को पटा लिया ना, तुम्हारे लिए किया। ये क्या, करण साहब यहाँ क्यों आए थे? वो कुंभकरण डाइटिंग कर सकता है, इस पर भरोसा कर सकता हूँ, पर करण साहब ऐसा घटिया काम कर सकते हैं, इस पर भरोसा नहीं होता। अमेरिका में शादी से पहले ट्रेनिंग होती है, कुछ भी हो करण साहब को बिगड़ने से पहले दादाजी को बताना पड़ेगा। यूं ये हमारे घर में होने वाली शादी आखिरी शादी है और करण की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। आपसे जरूरी बात करें, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जरूरी बात करें, देख नहीं रहा फोन पे बात कर रहा हूँ? साहब जी, आपसे जरूरी बात क्या बोल रहा था मैं? तो सही आप। ओके, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक काम करो, फालतू की बातों में फंसे, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। अगर तूने कुछ उल्टा सीधा बताया तो सोच ले। आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। वो कुछ नहीं साहब जी, वो करण साहब है ना, बहुत अच्छे इंसान है, घर में रहने वाले सभी अच्छे लोग हैं, करण साहब तो बहुत अच्छे हैं, यही कहना चाहता था। इधर खड़े हो जा। यही खास बात बताने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया, नालायक कहीं का।
हेलो हाँ मैं क्या बोल रहा था समझ गया ना। हाँ तो शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तेरी ऐसी की तैसी सब कुछ अच्छे से हो जाए। हाँ। दो फोर वो मेघराज हमें शराब क्यों पिलाता है ये जानते हो क्या? पीने के लिए। मजाक कर रहे हो, एक दूंगा तो सर फट जाएगा। पता है वो हम पे सब करता है। अभी तूने पहली बार सही बात की है भाई। सुनो चाहे जितना भी शराब पी लो भले ही मर जाओ लेकिन अपना राज बाहर नहीं जाना चाहिए। वो तो पता है लेकिन वो हम पर शक कर रहा है। तो धीरे बोल धीरे। हमारे खाने की वजह से चार लोग मर गए ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो लोग अभी क्या खाएंगे? जब देखो खाने की बात करता रहता है। मैं शादी का काम कर करके थक गया हूँ। सॉरी ब्रदर्स मैं आने में लेट हो गया। मुझे शराब नहीं चाहिए कुछ और चाहिए। मर्दों वाली शराब मत पी, लड़कियों वाली जिन भी तो है। अयो रामा ये दोनों मिला के पीऊंगा क्या? Yes! चलें क्या? अरे तुम लोग खाने वाले हो पीने वाले हो जानकारी रहूंगा। मेरे सामने तो बेटा तो चाइल्ड आर्टिस्ट है। आप लोगों से एक सीक्रेट पूछता हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर चलो मैं बाहर चलो। कॉमेडी मत करो। क्या हुआ था ये साफ साफ बता दो। फ्लैशबैक में सीताराम साहब यहाँ खाना बनाते वक्त फ्लैशबैक में क्या हुआ था ये बताना। ऐसे बैक में नहीं, फ्लैशबैक में। कभी मलयालम फिल्म देखी क्या? मलयालम फिल्म में हमेशा नहीं देखता हूँ। वहाँ फ्लैशबैक नहीं दिखाते हैं ना, रिंग दिखाते हैं। मतलब तुम्हारी पिलाई शराब का नशा चढ़ गया भाई। हम लोगों को सुलाने आया था, खुद ही सो गया। चलो बाहर चलते हैं। आप सब लोग बाहर चले जाओ, मैं इसका साथ देने के लिए यहीं सो जाती हूँ। फिर तो इसकी जिंदगी खत्म, इसको कोई नहीं बचा सकता। सुनी देखा पार्वती, इस लड़की को देखकर मुझे अपनी बहन की याद आती है। वो भी सुबह उठकर इसी तरह रंगोली बनाती थी। आपको अपनी बहन की याद आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मेरी होने वाली बहू भी ऐसी हो। हे, सांभर 90 डिग्री पर तैयार हो रहा है, अभी और मिर्ची डाल सकते हैं। आपका नाम क्या है जी? सबके मन को भाने वाली शकीला हूँ मैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गर्मा गर्म नाम है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये नाम। आपकी शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी? कई बार। मेरी तो एक बार भी नहीं, फ्रेश हूँ। तुम्हारा पति क्या करता है? पति नहीं, पति हो। अरे बाप रे, खाना पकाने वाले है। एक्सपीरियंस है। ये क्या गुरुजी, हम लोग तो सिर्फ पैसों को देखते हैं, लड़कियों को कब से देखने लगे? दिल की बात तू नहीं समझेगा। रुको गुरुजी, मैं भी आ रहा हूँ। कंपनी की वाइफ को लाइन मारा है। तो भाई तुम नाराज हो क्या? ये नाराजगी नहीं है भाई, नफरत। क्यों भाई? अपनी कंबाइंड वाइफ को लाइन मारता है वो ब्रोकर रामराज, इसलिए मैं उसको खिलाने के लिए मिर्ची पीस रहा हूँ। तो प्यार से मारना चाहते हो? लो पीसो और पीसो और लो लगा के। छोड़ो मुझे। अयो दादा, अरे रुको ना बाबा, ये पेड़ नीचे गिर जाएगा। लगता तेरे पेट में बम रखना पड़ेगा, ये पेड़ क्या खाने की चीज है? अरे इस पेड़ के साथ कुश्ती क्यों कर रहा है तू? इतने लंबे पेड़ को तू गिरा देगा क्या भैंसे? वो बात नहीं है भाई, इस पेड़ के नीचे उस ब्रोकर रामराज का सिर फोड़कर उसका मांस नोचकर मैं कच्चा चबा जाऊंगा। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? खून भरा मांस तुझे फ्रूट सैलेड लग रहा है क्या? सुनो, इसे पकड़ो और राजस्थान में जाकर ड्रॉप करो। अरे रिस्क क्यों ले रहे हो, इसका इस्तेमाल करो ना। मजाक कर रहा है क्या? नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। फिर क्या भाई, वो हमारी कंबाइंड वाइफ से मस्ती करता रहेगा। जो मुंह में आए वो मत बको भाई। अंडे पर पत्थर पड़े या पत्थर पे अंडा, नुकसान तो अंडे का ही है, पर जिससे तू रगड़ रहा है वो पत्थर नहीं, नारियल का पेड़ है, समझा? चार आदमी का खाना खा के आठ आदमी का खाना बना जा। फिर दोपहर में दादा,
सुने एक काम कर, हम लोग को लाइन से लेटा के नमक मिर्च डाल के खा जा। भाई नमक मिर्च क्या है, इसे तुम लोग नहीं संभाल पाओगे, हटो हटो इसे ढंग से मत। अरे भाई साहब नमक मिर्च मार के खाएगा, अभी मैं तेरी चमड़ी उतारता हूँ, ये ले ये ले चल भाग। अरे बाप रे बाप, इस मोटू को समझाते समझाते मेरा सर फट जाएगा ऐसा लगता है। नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं गर्म पानी में पाँव नहीं रखूंगी, अगर रखा तो मेरा पैर चलने लायक नहीं होगा, मुझे माफ मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दादी रुकिए। हाँ बाबा, कुर्सी का पैर दबा रहा है, मेरा पैर इधर है, अंधा हो गया है क्या? चल जा। नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं दादी रुको रुको रुको, ये बताओ किसका पैर कौन पकड़ेगा? दादाजी गर्म पानी में पैर डालने से दर्द दूर होता है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है गर्म पानी में पैर रख के बैठने में? पैर क्या, मैं तो उंगली भी नहीं डालूंगी, ये मुझसे नहीं होने वाला। ये ऐसे ही कहती रहेगी? दादाजी ने पकड़ लिया, हम इसका पैर गर्म पानी में डालते हैं। चलो पकड़ो, मुझसे नहीं होगा, पकड़ो इसे, पैर ऊपर उठा। अरे बाप रे, पैर पानी में डालो, पैर खाने की चिल्लाने लगी। चलो डालो पैर, ठीक से रखो। अब कैसा लग रहा है? अच्छी दादी। बच्ची बोल रही है तो सुनती नहीं हो, पैर पकड़ना पड़ा, पत्नी भक्ति के लिए क्या क्या करना पड़ा। कौन है वो? कैसा है वो? तुझे धक्का देने वाला कालिया कौन है? वो काला है तो क्या, उसका मन भैंस की दूध के जैसा सफेद है। और उसमें दूध कितना किलो होगा? तेरी तो हमेशा खाने की बात करता भुक्कड़। तेरे लिए हम पांच लोग कम है क्या? पांच लोग कहाँ, चार लोग। ये तेरे कहाँ गया था बेवकूफ, इसको मैंने दो बार गिना था। मेरे दिल से एक छोटी सी विनती है। मेरे लिए हलवा बनाओगे क्या? नहीं रे, तुझे भूखा रखने के लिए। क्या विनती है तेरी, जल्दी बोलो। पांडव के वनवास में पांच लोग हो तो भी छठे आदमी पर दिल आ गया मेरा। ये छठवां आदमी कौन है बताओ ना? ब्रोकर रामराज। ब्रोकर ये बताओ रामराज है। वो छठवां आदमी कौन है? और इंतजार मत कराओ, कुत्ता है तो क्या हुआ, तुम्हें भी दो उसके साथ। चुप हो जा, मैं तेरे जैसा आधा अधूरा नहीं हूँ। चार लोगों को संभालती हूँ, उसे भी संभालूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूंगा। भाई चील कौओं को क्यों खिला रहे हो, मैं यहाँ सामने बैठा हूँ ना। अरे तू हमेशा खाने की ही बात करता है। शकीला तुम मजाक मजाक में उस काले आदमी से प्यार कर रही हो, ये डायलॉग मुझे कहीं सुनावा लग रहा है। मैं अगर इसे फेंक दूँ ना तो इसकी आवाज से ही वो मर जाएगा। तुम सिर्फ हाँ कर दो, मैं उसे इस चाकू से मार दूंगा। वो तो सुबह से अंदर है, उसे बाहर निकालो। निकालो ना, खींचो। ले आए तुम, चलो तुम वो साड़ी दिखाओ, वो कलर की साड़ी कैसी है? दीदी दीदी ये साड़ियाँ पर बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा सिलेक्शन है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। मेरा सिलेक्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। दीदी दीदी आप ये साड़ी देखिए। अरे बस हो गया। देखो दीदी दादी सीरियस हो गई, इनके लिए मैंने साड़ी सिलेक्ट नहीं की ना, इसलिए नाराज है। तुम फंस गई पल्लवी, हमारे एज ग्रुप की हो इसलिए हमारा सिलेक्शन तो करवा दिया, अब दादी माँ का क्या? सिलेक्ट क्या करना है, दादी माँ कोई भी साड़ी पहने सुंदर ही लगेगी। बस बस बस, दादी माँ को मस्का मार कर बच नहीं सकती, सिलेक्ट करना पड़ेगा। दादी माँ देवी की तरह है, दादी माँ कोई भी साड़ी पहनेगी ना सुंदर ही लगेगी, समझती हूँ। हम लोग देवी माँ के मंदिर जाते हैं ना, देवी माँ ने भी साड़ी पहनी होती है, पर हम देवी माँ को देखते हैं उनकी साड़ी को नहीं, वैसे ही हमारी दादी माँ भी देवी की तरह है। बेटी पल्लवी तुम अमेरिका में पढ़ी लिखी लड़की हो, तब भी तुमने अच्छी तरह से दादी माँ को समझा दिया, बढ़िया सही है ना बेटी? अगर मैंने तुझे पहले देखा होता तो करण की शादी तुझसे ही करता। तुमसे जो भी शादी करेगा वो जरूर भाग्यशाली होगा। ये बताओ तुम्हें अमेरिका में कोई पसंद नहीं आया क्या? अमेरिका में इंडिया वाले लड़के से मिल चुकी हूँ। बताओ ना कौन है, मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवा देते हैं। बताऊँ क्या, डेयरिंग होनी चाहिए, मुझसे जो लड़का प्यार करता हो वो हर प्रॉब्लम में हमेशा मेरा साथ दे। क्यों करण, सही कहा ना मैंने? यू आर करेक्ट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाय, तुम यहाँ क्यों आई? तुम सपने में भी तंग करते हो इसलिए मैं यहाँ आ गई। इट्स टू मच, दरअसल मैं तुम्हें मिस कर रही थी। व्हाट? हेलो, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, मैंने अंकल से बात कर ली है।
यकीन नहीं है तो जाके पूछ लो। करण, लगता है तुम मुझे फंसाओगी। आ रहा हूँ पिताजी। हमारा बंधन ऐसे नहीं टूटेगा बेटा। करण, आ रहा हूँ पिताजी। टूट गया ना? इससे पहले आधा तुम्हारे पास था और आधा मेरे पास, लेकिन अब पूरा मेरे पास है। करण, देख लो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? कुछ काम कर रहा था पिताजी, इसलिए। क्या वो? हाँ वो, मैं शर्ट के बारे में बोल रहा था पिताजी। तो क्या है कि रात में पल्लवी ने मुझे एक बात बताई थी बेटा। बता दिया? हाँ। सब कुछ बता दिया क्या? हाँ बेटा। क्या बताया? तुम्हारी मंगनी के दिन उसका जन्मदिन है। हाँ पिताजी। हाँ, वो लड़की हमारे घर में मेहमान है, उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाना हमारा फर्ज है। उसे ये सब पसंद नहीं है पिताजी, इसीलिए कुछ अच्छा गिफ्ट देंगे। ठीक है, मंगनी की भी तो तैयारी करनी है, उसके लिए मैं निकलता हूँ। ठीक है। ड्राइवर, एक भाई, ये आपको बताने वाली बात है, इसमें सब कुछ लिख कर लाया हूँ। इस बार आपको मुझे थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिलेगा, इसे पढ़िए। मैं नहीं पढ़ सकता। पढ़ना ही पड़ेगा, मेरे बेटे से पढ़वा लो इसे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अरे मैं नहीं पढ़ सकता। ऐसा क्यों साहब जी? मैं अनपढ़ गवार हूँ, सिर्फ अंगूठा लगा सकता हूँ। ये पकड़ तुझा। साहब जी चिट्ठी। अबे समझता नहीं है। अय्या साहब जी चिट्ठी। अरे मैं शादी के काम में बिजी हूँ, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शादी का काम तो कभी भी कर सकते हैं आप, इसे पढ़िए, जरूरी है। इधर दे। हाँ पिताजी। इसे पढ़िए, इसे पढ़िए, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अबे जा। क्या है रे? ये चिट्ठी पढ़िए ना। क्यों, दादाजी को नहीं दिखाया क्या? दिखाया था। पढ़ा था क्या? क्यों पढ़ा? वो अंगूठा छाप है ना। वो अंगूठा छाप है तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? चल जा, घूर क्या रहा है, चल निकल। इस घर में काम करते हुए बिना काम का आदमी हूँ मैं, मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, पढ़ने को कहता हूँ पढ़ने को तैयार नहीं है, मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हैप्पी प्रॉब्लम तो है, इस घर में तो फंक्शन की तैयारियां हो रही हैं। ये घर किसका है, इस घर में मेरा क्या काम है? मैं निकलता हूँ, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। करण, ये लो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी रिटर्न्स? तो फिर तुम बताओ क्या चाहिए? अपने हाथों से ये रिंग पहना दो। इट्स इम्पॉसिबल। मेरे जन्मदिन पर इतनी सी बात नहीं मानोगे? इतनी पराई हो गई हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे समझने की कोशिश करो। अब हमारी मंगनी हो गई, अब सिर्फ शादी बाकी है।
मेरी तू प्यारी प्यारी परी जैसी बिटिया रानी के ऐसा रूप तेरा चंदा के जैसा तो भी कोई कम नहीं सोना सोना रूप तेरा मेरी तू प्यारी प्यारी परी जैसी बिटिया रानी के जैसा रूप तेरा चंदा के जैसा तो भी कोई कम नहीं सोना सोना रूप तेरा मुझे सुबह से सुला रखा है अब मुझे प्यास लगी है पानी दो तुम्हारा पानी पीना जरूरी है क्या वो लोग आ रहे आ रहे आ रहे सुनो अरे जब तक आप जिंदा थे तब तक उधार लिया और बिना उधार चुकाए मर गए अरे मर गए तो आपको जलाने के लिए कौन सा पैसा उधार देगा माचिस भी नहीं है जलाने के लिए हां रोने की आवाज आ रही है शादी का घर है क्या शादी में कोई नहीं रोएगा गुरुजी ये मैयत वाला घर है क्या बकवास कर रहे हो दुल्हन की विदाई के वक्त तो सब लोग रोते हैं तुझे पता है ना ओहो अगर ऐसी बात है तो फिर हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं क्या कंसंट्रेट करो चलो जब तक तुम जिंदा रहे उधार लेते रहे अब मरने पर भी उधार देना पड़ेगा गुरुजी ये तो मैयत का घर है अबे चुप हो जा पता है मैयत के घर में आए हैं उसकी उंगलियों में कितनी अंगूठियां हैं चलकर देखते हैं अरे जो हमसे उधार लिया था उसको कौन चुकाएगा ऐसी बातें मत कीजिए सर हमारे जीजा जी की चिता चलाने के बाद हम आपको कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे राग देगा क्या ये लोग कौन हैं नए उधार ले रहे हैं क्या अरे अरे क्या कर रहे हैं सुनिए चलो भाई हम चलते हैं यहाँ से जीजा जीजा सुनिए सुनिए वो लोग चले गए अब आप उठ भी जाइए अरे मुर्दा कैसे उठेगा मौसी ए मौसी पागल हो गई है क्या ये तो मर गया है तुम लोग चुप हो जाओ सुनिए 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 लगता है मौसी पगला गई ये तो सही है सुनिए तेरी तो कभी खुश नहीं रहोगे तुम लोग ऐसे ही मरोगे मेरे पति ने मरने का नाटक किया था तुम लोगों ने नाटक किया था क्या जो बचा है वो लूट लेगी मैं इसे ले जाता हूँ मौसी अबे क्या करूँ महाकाले एक और एक सिक्सर अब हम लोगों का सही वक्त आ रहा है आइए आइए ये वो लोग हैं चलो चलो ये पकड़ लिया तुम लोगों को पकड़ने के लिए मैं हर शादी और मैयत में जाता था सर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर अपनी बदनसीबी है तुमने कहा था एक फोर एक सिक्सर लाइफ टर्न हो जाएगी चलो अब जेल चलते हैं तुम लोगों की सोच गलत हो गई तुम लोगों को अरेस्ट करने के लिए नहीं ये मेडल डालने के लिए आया हूँ खाने की चीज है क्या नहीं साइनाइड मेडल है खा के मर जाओ हमारी पनौती दूर हो जाएगी
उस दिन इसे सोडे में नमक मिलाने के लिए बोला था, पता नहीं इसने क्या मिला दिया और चार लोगों को मार दिया इसने। जहर डाल दिया था इसने। आम आदमी नहीं थे वो लोग, पाकिस्तान की संस्था के ISI के सबसे बड़े खतरनाक आतंकवादी थे वो। आर्मी, इंटरपोल, अर्जेंटीना आर्मी, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस इन आतंकवादियों को ढूंढ रही थी, लेकिन ये नहीं मिल रहे थे। तुम लोगों का खाना खा के ये कुत्ते की मौत मर गए, इसलिए हमारे सुरक्षा मंत्री ने तुम्हारे गले में ये मेडल डालने के लिए बोला है। उनके घर में खाना बनाने के लिए? आप लोगों को उनके घर में खाना नहीं बनाना है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर खाना बनाना है, जिससे आप लोगों का खाना खा के आतंकवादियों की मौत हो जाए। अच्छा होगा, इन लोगों का बनाया खाना खा के अगर वो लोग मरे तो देश की भलाई होगी। सच में आपको देखकर लगा कि यहाँ कोई लफड़ा होगा, पर यहाँ तो इन लोगों को सजा मिलने की बजाय मेडल्स मिल रहे हैं। कुल मिला के हमारी सेवा देश के तो काम आ रही है। कभी भारत देश को ऐसी सेवा की जरूरत पड़ती है। सिर्फ हमें ही नहीं, हर भारतीय को सेवा करनी चाहिए। करण को ढूंढ रही हो ना? भले ही तुम कुछ ना कहो, लेकिन तुम उसके प्यार में पड़ गई हो। क्यों उसे परेशान कर रही हो? तुम भी ना कम नहीं हो, चुपचाप फूलों की माला तैयार करो। सुना ना आपने, जैसे इन लोगों की शादी नहीं हुई और ये पति के पीछे नहीं पड़ती, देखो तो उसे परेशान कर रही है। करण से मिलना चाहती हो ना, तो जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो। करण, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अपना करण भी लड़की के पीछे घूमने वाला नहीं है, वो उससे भी आगे है। करण से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, मौका मिला तो चौका मारने चली गई। पल्लवी से शादी तय होने के बाद पल्लवी पल्लवी कह के ख्यालों में डूबा रहता है। तुम सब लोग उसका मजाक उड़ा रही हो, बस करो। हार गई क्या? प्यार की ताकत खत्म हो गई क्या? तुम्हारे बिना मेरी शादी नहीं होगी, यह कहा था ना? सच है, तुम्हारे बिना यह शादी नहीं हो सकती। इतने दिनों तक यहां रह के शादी के दिन चली जाओगी तो सच में मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए जब तक मेरी शादी नहीं होगी तुम यहीं रहोगी। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम्हें अपने प्यार की कसम। चला ए जादू तेरा, चला ओ जादू तेरा, चला ए दिल मेरा माने ना। अच्छा सावन की घटा, ए तूने ऐसा कहा, ए दिल मेरा जीता था। कहती है मेरी, सुन तू सांसें थमती क्यों मेरी। एक तो दिल की करती चोरी, ऊपर से और सीना जोरी, जब से तुझसे आंख लड़ी जीना मेरा मुश्किल हुआ रे। किया तूने दिल चोरी, किया क्यों दिल चोरी, से खुश रखना तू प्यारी बहनक बाबू, प्यारी सी गुड़िया रानी जैसी प्यारी है ये बाबू। वर 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 वा, वर 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 वा। ढूंढ तुझे जहां जहां पाया तुझे
कर ले तू वादा ना टूटे कभी रिश्ता सात जन्म का रे। कदमों में होगी ये सारी दुनिया हम संग होंगे रे। बातें जान ली अच्छा ही हुआ जो आज हम मिले मिट जाएंगे सारे शिकवे गिले धीरे 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 हौले 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 रे बबारे हर घड़ी बबारे घड़ी घड़ी बबारे हर घड़ी बबारे घड़ी घड़ी ऐसा तो नहीं है कि खो गया कहीं ऐसा तो नहीं तू खो गई है कहीं। तेरे पास पास आऊं चुपके से छू जाऊं दिल नहीं माने रे। मुझ पे चला है जादू दिल पे नहीं है काबू दिल से दिल मिला ले। चाह जाऊं पीछे आए मेरे मुझे क्यों सताए क्यों तू नहीं सुधरे। देखे सारे ये नजारे क्या बोले ये बेचारे मुंह पे तो नहीं खोले। अरे जाने सारे हम दोनों एक दूजे के लिए साथ आए अपने सारे लेते हैं मजे। इनके बिना नहीं कोई भी मजा अभी अभी ऐसा मुझे चला है पता। दुनिया का डर नहीं किसी की फिक्र नहीं रे। चलो ना प्यार करे चलो ना कहीं प्यार करे चलो ना प्यार करे चलो ना कहीं प्यार करे। ऐसा तो नहीं है कि खो गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि खो गया कहीं। कहती है क्या धड़कन तेरी थमती है क्यों सांसें तेरी आगे आगे चलती है ये मुश्किल कर ये घड़ी। बाबा रे हर घड़ी बाबा रे घड़ी घड़ी बाबा रे हर घड़ी बाबा रे हेलो शंकर तुम कहाँ हो मैं वहीं आता हूँ रुको तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा अरे तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए थोड़ी देर आराम करना चाहिए था भाई। सुनो हार लिख लेकर आओ। चलो तुम जो हो ना मेरे लड़के की तरह बाइक चलाने में तुम भी कम नहीं हो। दीवार से थोड़ा और आगे जाते तो नोयल नदी में सीधे जाते। अब दर्द कैसा है हाँ? चलो बैठो। ए जल्दी लाओ पी लो लो पी लो। मेरी आंटी की तस्वीर यहां कैसे? ये आंटी कौन है क्या मैं जान सकता हूं? मेरे प्रिय दोस्त की बहन है। सच कहूं तो इस घर की रोशनी देने वाली परी है पर आज हम इसी के तस्वीर के सामने दिया जा रहे हैं। ये आपका प्रिय दोस्त है? वो इन्हें अपना पक्का दुश्मन मानता है
इसलिए इस फोटो को मैंने बाहर फेंकने को कहा था, पर ये सुनते ही नहीं थे। उसे बहुत प्यार करते हैं। चुप हो रहे हो या नहीं? मेरे दोस्त के बारे में तुम अभी कुछ भी नहीं जानते हो बेटा। क्यों, शादी के घर में आपकी बेइज्जती की थी याद नहीं रहा? हम दोनों के बीच प्यार और तकरार चलता रहता है बेटा, तुझे क्या? तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, हमारे बीच में टांग मत अड़ाना। वो अपनी बहन से प्यार करता था, उसकी बहन की जान चली गई, ये दर्द वो कैसे सहन कर रहा होगा? क्यों, हमें दर्द नहीं है क्या? हमारे चाचा भी तो चले गए, वो भी तो हमें बहुत प्यारे थे ना। ठीक है, चुप रहो और जाओ यहाँ से। मेहमान के सामने अपने घर की पंचायत मत करो। नहीं सर, हर परिवार में ऐसा होता है। आप जिसे जिगरी दोस्त कहते हैं, उसके और आपके बीच झगड़ा कैसे हुआ? ये मैं उसको नहीं समझा पाया तो तुम्हें कैसे समझाऊंगा। तुम जाके आराम करो। ए, नारियल लेके आना। आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे पिताजी दुखी क्यों हो गए? तुम्हारे चाचा जी ने धोखा दिया था क्या? नहीं, मेरे चाचा जी ने किसी को धोखा नहीं दिया। चाचा जी दशरथ की बहन से प्यार करते थे। बड़े लोगों को पता चला तो उन लोगों की शादी पक्की कर दी गई। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरे चाचा लक्ष्मी से दूर होना चाहते थे। ये पता चलने पर पिताजी ने चाचा को गुस्से से डांटा। तब उन्हें पता चला कि चाचा को लीवर कैंसर है। थोड़े ही दिनों में वो मरने वाले हैं। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि वे दशरथ को बता दें कि लक्ष्मी के लिए दूसरा लड़का ढूंढें। पर सच बात को बिना सोचे समझे लक्ष्मी ने चाचा को गलत समझकर खुदकुशी कर ली। उसी से दशरथ राज और मेरे पिताजी के बीच दुश्मनी बढ़ गई। अभी भी कहीं एक दूसरे को देखते हैं तो काटने को दौड़ते हैं। इसीलिए मैं उसके परिवार वालों से नफरत करता हूं, दुश्मन समझता हूं। थैंक यू वेरी मच। आराम से जाना। क्या बात है बेटा? मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, दो दिन आराम करके चले जाना। नहीं अंकल, अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। ये बताओ बेटा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो भी आपके ही जैसे है। संभल के जाना बेटा। ये लड़का यहाँ क्यों आया था? ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। वो दशरथ रामराज का बेटा है। ए! ये तू क्या बोल रहा है? आपकी बहन भी उसी के घर में है। अभी तक उसका बाप हमारा दुश्मन बना हुआ है, उसका सर काटने तक मैं शाम नहीं बैठने वाला। चलो गाड़ी में बैठो। साहब जी, सीमा पार करने वाला है। सीमा पार करने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, पीछा करो। ए, जल्दी जल्दी, ए, चल गाड़ी बढ़ा, आज उसे नहीं छोड़ेंगे।
और क्यों गया होगा? इसके बारे में किसी को पता है क्या? मुझे भी नहीं पता कहां गया होगा। हाँ। वो कहां पर चला गया बेटा? जानकी राम जी बहुत घबरा रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए? ये हमसे बचकर कहाँ जाएगा? वो शादी के मंडप में जाएगा ना, खत्म कर देंगे वहीं। चलो मेरे साथ। चलो। ये क्या चीज़ जी? यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 5 मिनट में जिस दूल्हे को मंडप में होना चाहिए वो नजर ही नहीं आ रहा है। अब आप ही लोग बताइए मुझे कि मैं क्या करूँ। विदेश में काफी आजादी से घूमता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बिगड़ा हुआ नहीं है। जानकी राम, रिश्तेदारों के सामने इस तरह बात मत करो। लड़की का बाप हूँ, लोगों को जवाब देना पड़ता है, अब क्या बताऊँ मैं? सुनिए जानकी राम जी, आपकी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये आपको भी पता है। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। हाँ, आपके परिवार की इज्जत और मर्यादा से कोई संबंध है क्या? बताइए ना आप लोग। आज के दिन करण मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। जाओ ढूंढ रहे उसे। ए, रुक जा। क्यों रे छचुंदर, फिर से भाड़े के टट्टुओं के साथ आया है? शादी में लफड़ा करने के लिए तेरे बाप ने भेजा है क्या? सुनिए, यहाँ मेरी बेटी की शादी हो रही है, आपका लफड़ा मुझे पता नहीं है। आपका पोता कहाँ है ये बताइए। आपकी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, उसे जिंदगी भर अपने घर में बैठकर खिलाइए। जिस खानदान की इज्जत मान मर्यादा कुछ भी नहीं, उसकी बहू मत बनाइए। उसका बेटा फ्रॉड है और देखा जाए तो उसका पूरा खानदान फ्रॉड है। अगर मेरे दोस्त के खिलाफ एक भी लफ्ज निकाला तो भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है, काट के फेंक दूंगा। अभी तक जो गलती मैंने नहीं की थी उसकी सजा भुगत रहा हूँ और मेरा जिगरी दोस्त मुझसे दूर हो गया है, दुख को क्यों बढ़ाना चाहता है? सॉरी दशरथ, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। जानकी राम भाई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब यह शादी नहीं रुकेगी। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और वो मेरे पास था, सुबह उठकर वो चला गया था। आप गलती से अपनी जबान मत चलाइएगा, उस लड़के का किसी लड़की से कोई संबंध नहीं है और उसने कोई गलती भी नहीं की है। मेरे बेटे के बारे में बोलने वाले तुम कौन हो? आपके जिगरी दोस्त है पिताजी। हाँ पिताजी, आपने अंकल को गलत समझ लिया था, आपको सच का पता चलना ही चाहिए। सुनो जय, तुम मुझे माफ कर दो भाई। तूने ये बात जानकर मुझे माफ कर दिया, पर तुझे एक बात और पता है? बताता हूँ, ये मेरी बेटी पल्लवी। क्या? पल्लवी तेरी बेटी है? पल्लवी और करण अच्छे दोस्त हैं, हमारी पिछली दोस्ती को मिलाने वाला इनका प्यार है। दशरथ, कई साल हो गए। सुनिए जानकी राम जी, बच्चों की चाहत जाने बिना शादी करना गलत है। आपकी बेटी से मिलने के लिए मुझे मेरे घर वालों ने भेजा था और बोला था कि लड़की पसंद हो तो शादी करवा देंगे। ये सब बड़े लोगों की बातें हैं। आप अपनी बेटी की चाहत जाने बिना उसके दिल में किसी और के लिए चाहत है। क्यों जानकी राम, तुमने मेरे पोते के बारे में यही कहा था ना कि वो किसी भी लड़की के पीछे पड़ सकता है, पर देखा मेरे पोते ने क्या किया, यही है उसका संस्कार। कुछ सोचो मत, तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती है उसे शादी करवा दो, बस। जैसा आप कहो वैसे ही होगा।
हेलो, हाँ पल्लवी तुम्हारा फोन। हेलो। अरे वाह बेटा, मुझे अब समझ में आ गया, तूने इसी पल्लवी से प्यार किया था ना। सही है। सुनो पल्लवी, इस घर में तुम सबकी दोस्त बनकर नहीं आई, बल्कि बहू बनने के लिए कदम रखी है। क्यों पल्लवी, ये सच है क्या? वाह भाई वाह। दशरथ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे हाथों करवाना चाहता था। इन दोनों को एक कर दो और हाथ मिला दो। साहब जी, साहब जी, साहब जी, अभी मुझे याद आया, आपसे एक जरूरी बात करनी। इस शुभ समय में तुम्हारी क्या समस्या है? अभी अभी मुझे याद आया, अगर नहीं बताऊंगा तो फिर से भूल जाऊंगा। ठीक है बता। अपना करण साहब और अमेरिका वाली पल्लवी आपस में प्रेम करते हैं। तुमने सच बता दिया। चलो जोर से बैंड बाजा बजाओ। भुलक्कड़ बच्चे कमाल कर दिया। अगर ये बात तुम पहले बता दिए होते तो कहानी कुछ और होती। चलो नमस्ते करो। ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, ये दिल है बेकाबू, है तेरा क्या जादू। ये दिल है बेकाबू, है तेरा क्या जादू। क्या तेरी प्यारी सुंदरता है रे,